आज की इस सभा में उपस्थित रायगढ़ नगर के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, आज इस सभा में उपस्थित सभी सम्माननीय माताओं बहनों, मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहां उपस्थित हैं और मुझे आपसे भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने का, संवाद करने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले हमारे पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान के रायगढ़ जिले के सभी पदाधिकारियों का, सभी योग शिक्षकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह व्यवस्था बनाई और मुझे आपके सामने प्रस्तुत होने का मौका मिला। हमारे भारत स्वाभिमान के और पतंजलि योग समिति के यहाँ पर पिछले 3 दिनों से आवासीय शिविर का आयोजन हुआ है, ऐसा मुझे अभी पता चला। पिछले 24 नवंबर से और आज 26 नवंबर तक यह प्रशिक्षण शिविर यहाँ आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर के सफल आयोजन के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। हमारे जो प्रशिक्षक आए इस कार्य में, भाई श्री रविंद्र जी जो हमारे सह प्रांत प्रभारी हैं, बहन सुश्री जया मिश्रा जो हमारी महिला प्रांत प्रभारी हैं, योग शिक्षक श्री अंबिका शुक्ल जी, योग शिक्षक श्री रामेश्वर पांडे जी और हमारे रायपुर के जिलाध्यक्ष श्री राकेश दुबे जी, इन्होंने लगातार 3 दिन तक यहाँ योग और प्राणायाम सिखाया और इसमें गांवों के भी बालक बालिकाओं ने भाग लिया। हमारी बहन भूमि सुता विद्यालंकार जी का विशेष धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस शिविर को आयोजन करने में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। मैं आप सभी से भारत स्वाभिमान के विषय में बात करने आया। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान, एक आंदोलन शुरू किया है। 5 जनवरी 2009 से ये अभियान शुरू हुआ हरिद्वार से और अब भारत देश के करीब 600 जिलों तक यह आंदोलन पहुंच गया। इस आंदोलन में लगभग 2,50,000 योग शिक्षक संपूर्ण निस्वार्थ भाव से काम में लगे हुए हैं और इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। अगले 2 वर्षों में 11 लाख योग शिक्षक और इसमें जुड़ने वाले हैं और 2 वर्षों के बाद करीब 13,50,000 योग शिक्षक इस आंदोलन में, इस अभियान में आ जाएंगे और तब हमारी ऐसी भावना है कि हम भारत के गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचाएंगे। आपके मन में प्रश्न होगा कि ये अभियान जो भारत के गांव-गांव तक हम पहुंचाना चाहते हैं, भारत स्वाभिमान, इसका उद्देश्य क्या है? इसके 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना और दूसरा उद्देश्य है भारत की जो गंभीर व्यवस्थागत समस्याएं हैं उनका समाधान करना। हमारे देश में आजादी के 64 वर्षों के बाद बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। एक सबसे बड़ी समस्या हम मानते हैं वो है गरीबी, दूसरी बड़ी समस्या है बेरोजगारी, तीसरी बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई, चौथी बहुत बड़ी समस्या है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और एक बड़ी समस्या है हमारे देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद, नक्सलवाद। एक और बड़ी समस्या है भारत के लोगों पर होने वाला अन्याय और अत्याचार। ऐसी कई समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि उनका भारत के नागरिकों के साथ मिलकर कोई समाधान करें। तो एक तरफ भारत की समस्याओं को हल करना है और दूसरी तरफ भारत देश के सभी नागरिकों को स्वस्थ बनाना है, निरोगी बनाना है।
इन्हीं दो कार्यों को पूरा करने के लिए यह भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू हुआ है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि भारत के लोगों को स्वस्थ और निरोगी बनाने का क्या रास्ता। इसके लिए हम हर भारतवासी को योग, प्राणायाम और आयुर्वेद, इन तीन माध्यमों से स्वस्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। योग और प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से हर भारतवासी को हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ बन जाए, उसका हर बीमारी ठीक हो जाए। आप पूछेंगे ऐसा क्यों, योग प्राणायाम और आयुर्वेद की मदद से ही हर व्यक्ति को स्वस्थ क्यों बनाए। इसका उत्तर ये है कि योग प्राणायाम और आयुर्वेद ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो भारतवासियों के लिए बहुत अनुकूल है और भारतवासियों की बीमारियों का समाधान कर सकती है। हमारे भारत में दो तरह की चिकित्सा पद्धतियां हैं। एक तो विदेशी चिकित्सा पद्धति है जिसको हम एलोपैथी कहते हैं, अंग्रेजी चिकित्सा कहते हैं, और दूसरी ये हमारी स्वदेशी चिकित्सा है जिसको हम आयुर्वेद और इसका सहयोगी योग प्राणायाम। इन दोनों चिकित्सा पद्धतियों का हम पिछले आजादी के 64 वर्षों से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं कि कौन सी चिकित्सा पद्धति ज्यादा उपयुक्त है। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ति के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी व्यक्ति का इलाज किया जाता है तो जो दवाएं खिलाई जाती हैं उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं, जिनको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं। एलोपैथी चिकित्सा में किसी भी इलाज का संपूर्ण समाधान नहीं होता। कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो जड़ से ठीक हो जाए। और एलोपैथी चिकित्सा में आजकल डायग्नोस्टिक टेस्ट का इतना बड़ा बोलबाला हो गया है कि गरीब आदमी के लिए अब ये संभव नहीं रह गया। हमारे भारत में एलोपैथी चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 64 वर्षों में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, लेकिन ये चिकित्सा किसी भी व्यक्ति का, एक भी भारतवासी का संपूर्ण निरोगी बनाने में समर्थ नहीं हो पाई। हमारे भारत देश में एलोपैथी चिकित्सा के काम में लगे हुए 18 लाख डॉक्टर्स हैं, 36,000 हॉस्पिटल्स हैं, 2,00,000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, और करीब 84,000 दवाएं इस देश में बेची जाती हैं, और इन 84,000 दवाओं को बनाने वाली करीब 23,000 कंपनियां हैं और लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा है। फिर भी भारत से किसी भी एक बीमारी को ये एलोपैथी चिकित्सा ठीक नहीं कर पा रही। हमारे देश में गंभीर बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हम जब आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को तो भारत में 5 करोड़ लोग बीमार थे। उस समय हमारे देश की सरकार का ये कहना था कि ये 5 करोड़ लोग इसलिए बीमार हैं कि भारत में डॉक्टर्स कम हैं, दवाएं कम हैं, हॉस्पिटल्स कम हैं, सरकार का बजट बहुत कम है। जब आजादी आई थी तो मुश्किल से चिकित्सा का बजट हमारा 70 करोड़ रुपए के आसपास था। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का कहना था कि जैसे जैसे ये एलोपैथी चिकित्सा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, भारत में बीमारियां और बीमार दोनों लोग कम होते जाएंगे। हमारी सरकारों ने पिछले 64 वर्षों में 10,00,000 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए एलोपैथी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में। इस 10,00,000 करोड़ रुपए के खर्चे में भारत में 36,000 हॉस्पिटल्स बने हैं, 18,00,000 डॉक्टर्स तैयार हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 2,00,000 से ज्यादा बने हैं, और इनमें जो नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो बहुत सारा है जो सेवाएं दे रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत जब आजाद हुआ था तब 5 करोड़ लोग बीमार थे, अब आजादी के 64 साल बाद इस देश में 100 करोड़ लोग बीमार।
हमारी सरकार का एक बहुत बड़ा मंत्रालय है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय। उनका कहना है कि भारत में 120 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग बीमार हैं, और सरकार के इसके आंकड़े हैं। जैसे 5 करोड़ 70 लाख लोगों को भारत में डायबिटीज है, 4 करोड़ 80 लाख लोगों को हृदय रोग है, 8 करोड़ भारतवासियों को कैंसर है, 12 करोड़ भारतवासियों को आंखों के भिन्न भिन्न रोग हैं, 14 करोड़ भारतवासियों को दमा, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस है, 17 करोड़ भारतवासियों को गठिया का रोग है, संधिवात है, और 20 करोड़ भारतवासियों को हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर है, 27 करोड़ भारतवासियों को चिकनगुनिया, वायरल फीवर, डेंगू, इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, ब्रेन मलेरिया, टाइफाइड, साइनोसाइटिस, साइनस, ऐसे भिन्न भिन्न रोग। और सबसे खराब बात है कि भारत की लगभग 70% आबादी को एनीमिया का रोग, खून की कमी, रक्त की कमी। एनीमिया का जो रोग है वो हमारी माताओं को ज्यादा है, हमारी बहनों को ज्यादा है। हमारे देश में कुल 60 करोड़ माताएं और बहनें हैं, इनमें से 40 करोड़ माताओं और बहनों को खून की कमी है, शरीर रक्त की कमी। तो इतना बुरा हाल पूरे देश का है, और ये हाल आजादी के 64 वर्षों में है, जबकि सरकार ने पिछले 64 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया है चिकित्सा के लिए और स्वास्थ्य के लिए। तब इतना बुरा हाल देश का है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि आखिर सरकार ने इतना सारा पैसा खर्च किया है चिकित्सा और स्वास्थ्य पर पिछले 64 वर्षों में, तो बीमारियां कम क्यों नहीं हो रही, हर साल नई नई बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? तो इसका उत्तर है कि हमारे देश की सरकार ने ये जो पैसा खर्च किया 10 लाख करोड़, ये सारा का सारा पैसा एलोपैथी और विदेशी चिकित्सा पद्धति पर खर्च किया। और एलोपैथी चिकित्सा में सबसे ज्यादा सरकार ने दवाओं का उत्पादन बढ़ाया इस देश में। आजादी मिलने के समय में इस देश में 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 दवाएं बन रही हैं। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, नोवालजिन, एनाल्जिन, पैरासिटामोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पैरामाइसिन, बेरालगन, बूटाजोन, ऑक्सीफेन बूटाजोन, क्विलोक्विनोल, रेनिटिडिन, डाइक्लोफेनेक, ऐसी 84,000 दवाएं बन रही हैं। पहले सिर्फ 70 दवाएं बनती थी, अब 84,000 बन रही हैं। और समस्या इन दवाओं से शुरू होती है, क्या कि ये जो दवाएं बन रही हैं हमारे देश में और हमें खिलाई जा रही हैं, ये दवाएं हमें और ज्यादा बीमार बना रही हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि इन सभी दवाओं के शरीर पर भयंकर नुकसान हो रहे हैं। इन दवाओं के हमारे शरीर पर सैकड़ों तरह के नुकसान हो रहे हैं। मैं आपको कुछ नाम से बताऊं, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, नोवालजिन, एनाल्जिन, एस्प्रो, इकोस्प्रिन, ऐसी हजारों दवाएं हैं जिनको भारत में एनाल्जेसिक मेडिसिन्स कहा जाता है। एनाल्जेसिक मेडिसिन के बारे में समझने के लिए आप समझिए दर्द निवारक दवाएं जो दर्द को थोड़ा कम करती है। एस्पिरिन आपके दर्द को कम करती है, डिस्पिरिन दर्द को कम करती है, और इस तरह की हजारों दवाएं हैं। ये सारी दवाएं जो हम दर्द निवारक या दर्द को कम करने के लिए खाते हैं, ये सब हमारी किडनी को खराब करती है, हमारे गुर्दों को खराब करती है। अगर आप लगातार इन दवाओं को खा रहे हैं तो आपके दोनों गुर्दे बेकार हो जाएंगे, ये पक्की बात है। इन दवाओं के कारण हमारे देश के लाखों लोग दुखी हैं। पहले उन्होंने ये दवाएं खाई दर्द मिटाने के लिए, अब इन दवाओं ने उनके गुर्दों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। समस्या अब यह है कि गुर्दे खराब हो जाएं तो उनका इलाज नहीं है एलोपैथी, एकमात्र इलाज है और वो है कि नए गुर्दे लगाओ। और नया गुर्दा लगाना किसी गरीब के बस में नहीं है, क्योंकि 3.5 लाख रुपए में एक नया गुर्दा लगता है, 7 लाख में 2 नए गुर्दे लगते हैं। गरीब आदमी तो सोच भी नहीं सकता।
और एक दूसरा इलाज है वो है डायलिसिस। और डायलिसिस के इलाज में इतनी पीड़ा और इतना दर्द होता है कि कोई भी आदमी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि जब किसी मरीज को डायलिसिस पे हम ले जाते हैं तो वो एक ही बात बार बार दोहराता है कि मुझे मार डालो, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। क्योंकि डायलिसिस की क्रिया में क्या होता है कि सारे शरीर का खून निकाला जाता है और उसे साफ करके मशीन के माध्यम से वापस शरीर में डाला जाता है। तो शरीर से खून को निचोड़ना और वापस उस शरीर को डालना ये बहुत ही पीड़ादायक काम है और इसलिए ज्यादा मरीज डायलिसिस को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो दर्द से ही मर जाते। अब गुर्दे खराब हो जाएं, ऐसी हजारों दवाएं हम खा रहे हैं और लाखों लोग इस बीमारी से परेशान हैं। आपको मैं एक जानकारी दूं कि जो एनाल्जेसिक दवाएं हम खाते हैं, एस्पिरिन डिस्पिरिन जैसी, ये दवाएं दुनिया के कई देशों में 20 साल पहले बंद हो चुकी हैं। अमेरिका में, कनाडा में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क में, नॉर्वे में, ब्रिटेन में, बेल्जियम में, ऐसे दुनिया के सैकड़ों देशों में जो दवाएं 50 साल पहले, जो दवाएं 20 साल पहले बंद हो गई वो हमारे यहाँ अभी भी बिक रही हैं और हमें खिलाई जा रही है। एस्पिरिन ऐसी ही दवा है, डिस्पिरिन ऐसी ही दवा है, नोवल्जिन ऐसी ही दवा है, एनाल्जिन ऐसी ही दवा है, सेरिडोन ऐसी ही दवा है, एस्प्रो ऐसी ही दवा है, बुकालजिन ऐसी ही दवा है। ये सब दवाएं दुनिया के कई देशों में 20 साल पहले बंद हो गई, कई देशों में 50 साल पहले बंद हो गई। और इनके बंद करने का कारण एकमात्र कि ये गुर्दों को खराब करते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं, इसलिए कई देशों ने इन पर पाबंदी लगाई है। लेकिन भारत में ये दवाएं सबसे ज्यादा बिक रही हैं और हम इन्हीं दवाओं के कारण और ज्यादा तकलीफ पा रहे हैं। और एक उदाहरण बताऊं, हम लोग कई बार ऐसी दवाएं खाते हैं जो हमें बुखार कम करने के लिए दी जाती है, एंटी पायरेटिक मेडिसिन, जैसे पैरासीटामोल, जैसे बोवेरॉन, जैसे नीमू सलाइड, जैसे नीमू लाइट, ऐसी सैकड़ों दवाएं हम खाते हैं बुखार कम करने के लिए। ये सारी दवाएं लीवर को खराब करती हैं और गुर्दों को भी खराब करती हैं, इनके दुष्परिणाम लीवर पे भी। इसी तरह से हम बहुत सारी दवाएं खाते हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन जिनको कहा जाता है, जब दस्त हो जाते हैं, पेचिश हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है, तो अक्सर हमको एक दवा खिलाई जाती है मेक्साफोर, मेंट्रोबायोफोर, और इन दोनों दवाओं से अगर हमारे दस्त ठीक नहीं हुए तो फिर और एक स्ट्रॉन्ग दवा खिलाई जाती है क्विलोकिनॉल। और ये सारी की सारी दवाएं मैक्साफॉर्म, एंट्रोबायोफॉर्म, क्विलोकिनॉल, ये आंतों में घाव करती और आंतों का घाव अगर बढ़ गया आपका, आप जल्दी उसे ठीक नहीं कर पाए तो वो अल्सर में बदलता है, अल्सर से फिर पेप्टिक अल्सर होता है और पेप्टिक अल्सर से आगे की एकमात्र स्टेज है वो कैंसर, और कैंसर के बाद फिर मौत। हमारे भारत के बहुत सारे लोग नहीं जानते कि जिनको आंतों का कैंसर होता है, जिनको पेट का कैंसर होता है, ऐसे 99% मरीज वो हैं जो एंटी पायरेटिक मेडिसिन खाके मर रहे हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन खाके कैंसर से मर रहे। बहुत खतरनाक है। ऐसे ही कुछ दवाएं हैं जिनको हम एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन्स कहते हैं, हृदय के रोगों के लिए जो दवाएं दी जाती हैं कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन, ये सभी दुष्परिणाम करती हैं खून पर। आपके हृदय रोग को नियंत्रित करने के लिए जो दवाएं खिलाई जाती हैं वो खून को पतला करती हैं, और खून जब जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है तो थोड़ी सी भी चोट आपको लगेगी तो इतना खून निकलेगा आपके शरीर से कि आपकी खून निकलने से मौत हो सकती है। हर साल भारत में लाखों लोग मर जाते हैं। अक्सर आपने अखबारों में और टेलीविजन पर एक खबर ये सुनी होगी कि एक्सीडेंट हुआ और मरीज को अस्पताल ले जाते उसका शरीर
छूट गया, माने मर गया। अस्पताल ले जाते कोई कैसे मरता है, वो ऐसे मरता है कि उसको इतना खून निकल चुका होता है कि अस्पताल पहुंचते समय वो मरा हुआ होता है। अब इतना खून कैसे निकल गया किसी का, वो ऐसे निकल गया कि उस व्यक्ति का खून बहुत पतला हुआ, एक्सीडेंट हुई उसमें खून निकला, पतला है ज्यादा खून तो वो जमता नहीं है और वो निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है और इसमें मौत होती है। आप जानते हैं खून को ज्यादा पतला होना बहुत खतरनाक है और वो इतना खतरनाक है कि जरा सी देर में मौत हो जाए। हमारे देश में कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन ऐसी ही है जो खून को पतला करके लोगों को मार रहा है। हर साल भारत में 1.5 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं और हर साल करीब 3.5 से 4 लाख लोग मरते हैं और ज्यादातर जो लोग मरते हैं वो खून के पतला होने के कारण मरते हैं। आपको एक बात मालूम है, ईश्वर ने, परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर में एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जिसमें खून निकलना अगर शुरू हो तो वो तुरंत अपने आप रोकता है। हमारे खून का बाहर की ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ जैसे ही संपर्क आता है, ब्लड का अपने आप क्लॉटिंग शुरू होता है, खून रुक जाता है। लेकिन जिनका खून जरूरत से ज्यादा पतला हो जाता है उनको क्लॉटिंग नहीं हो पाती और वो खून निकलने से मर जाते हैं। और उन बेचारे लोगों को ये नहीं पता होता कि इसका कारण वो दवाएं हैं जो वो खा रहे थे कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन पे। ऐसी हम 84,000 दवाएं खाते हैं जिनको दुनिया में कोई नहीं खाता। जो दवाएं अमेरिका में बंद हैं, कनाडा, जर्मनी आदि देशों में, वो हमें खिलाई जाए और इनके कारण और ज्यादा हम गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। कई ऐसी दवाएं हैं अंग्रेजी एलोपैथी की जो आपको अल्सर करती हैं, एसिडिटी करती हैं, हाइपर एसिडिटी करती हैं और आप पेट की जलन से परेशान रहते हैं। बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको गले में जलन करती हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, आपके होंठ सूख जाते हैं, आपके शरीर की नमी खत्म हो जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, ऐसी बहुत दवाएं। इन सब दवाओं के दुष्परिणाम होते हैं और दुर्भाग्य हम सबका ये है कि डॉक्टर्स को ये सब मालूम होता है लेकिन वो हमें बताते हैं। उनका ये लालच रहता है कि अगर आपको ये सारे दुष्परिणाम पता चल गए तो आप वो दवा ही नहीं खाओगे तो उनका अपना बिजनेस है, वो परेशानी में आ जाए। मैं बहुत बार भारत सरकार के मंत्रियों से ये कहता हूँ कि जब कोई दवा अमेरिका में बंद हो चुकी है, कनाडा में बंद है, यूरोप के देशों में बंद है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसे बंद करने का आदेश दे रखा है, तो आप उस दवा को भारत में क्यों बंद नहीं करते? तो इसका गोल गोल जवाब देते हैं। लेकिन इसका सही जवाब ये होता है कि दवा बेचने वाली और दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमारे नेताओं को बहुत बड़े पैमाने पर रिश्वत देती, घूस, रिश्वत। और भ्रष्टाचार हमारे देश के हर विभाग में है। ये चिकित्सा का जो विभाग है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल का जो हमारे देश का विभाग है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। वैसे तो सभी विभाग भ्रष्ट हैं लेकिन ये बहुत भ्रष्ट है। इसमें क्या होता है कि दवा बनाने के लिए कोई कंपनी अमेरिका से भारत आ जाती है और वो ऐसी दवा बनाने का लाइसेंस भारत सरकार से ले लेती है जो दवा बनाने का लाइसेंस उसे अमेरिका में भी नहीं मिलता। मैं आपको एक पूरा उदाहरण से बात समझाऊंगा। हमारे भारत में एक अमेरिका की कंपनी है, उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। ये अमेरिकन कंपनी है, ये भारत में सबसे ज्यादा वो दवा बेचती है जो दवा अमेरिका में ना बनाई जाती है ना बेची जाती है। उस दवा का नाम है विक्स। विक्स नाम की दवा आप बाजार से खरीदते हैं, इस दवा को अमेरिका में बनाना और इसको बेचना दोनों जुर्म है। अगर अमेरिका में कोई डॉक्टर किसी मरीज को विक्स का प्रिस्क्रिप्शन लिख दे तो उस डॉक्टर को 14 साल की जेल हो जाती है, उसकी डिग्री छीन ली जाती है।
कारण आप पूछोगे क्यों, विक्स जो है जहर है, इसे हम बार बार नाक में लगाते हैं सर्दी जुकाम के हिसाब से। आपको मालूम नहीं है ये विक्स आपको दमा कर सकती है, अस्थमा कर सकती है, ब्रोंकियल अस्थमा आपको हो सकता है विक्स बार बार लगाने से। इसलिए दुनिया भर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस विक्स को जहर घोषित किया। जो जहर है विक्स वो भारत में सबसे ज्यादा बिकता है। आप रायगढ़ में किसी केमिस्ट की दुकान पर सवेरे से शाम तक खड़े होकर ये देखिए कि कौन सी दवा सबसे ज्यादा बिक रही है, तो वो एक ही दवा है विक्स। जो दवा अमेरिका में नहीं बिक सकती वो भारत में हाईएस्ट सेलिंग मेडिसिन है, सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा। कारण क्या है, हमारे देश की सरकार ने प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को लाइसेंस दे रखा है विक्स बनाने का और वो धड़ल्ले से बना रही है। टेलीविजन पे रोज उसका विज्ञापन आता है, जबकि कानून के हिसाब से किसी दवा का विज्ञापन टेलीविजन में नहीं दिया जा सकता, ये कानून है। हमारे भारत में भी ये कानून है, अमेरिका में तो है ही ये कानून, सैकड़ों बार आता है और सरकार कुछ करती नहीं, क्योंकि वो सरकार ही है जो उसको लाइसेंस देके बैठी है। और ये कैसे होता है, ये पैसे की ताकत से होता है, रिश्वत से होता है, घूसखोरी से होता है। टेलीविजन में आपको बताया जाता है कि खांसी हो गई है तो विक्स की गोली लो, गले की खिचखिच दूर करो, ये अपराध है बोलना टेलीविजन पे, क्राइम है, कानून के हिसाब से ये क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी। लेकिन हमारे यहाँ ये हो रहा है, कारण उसका घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, और वो दवा हम खरीद रहे हैं। और ये दवा भी हम जब खरीदते हैं ना, विक्स तो कितनी महंगी मिलती है, 25 ग्राम विक्स 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 रुपए की है, 100 ग्राम 160 की है, 1 किलो 1600 रुपए की है। अब 1600 रुपए किलो विक्स हम नाक में लगा रहे हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खा रहे, 200 रुपए किलो काजू नहीं खा रहे, 300 रुपए किलो गाय का घी नहीं खा सकते, 1600 रुपए किलो की विक्स लगा लेते। आपको मालूम है ये विक्स बनती किससे है, ये बनती है पेट्रोलियम जेली से। और पेट्रोलियम जेली अगर बाजार से आप खरीदो तो 60-70 रुपए किलो में सबसे अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है। घटिया क्वालिटी की पेट्रोलियम जेली खरीदो 15-20-25 रुपए किलो में मिल जाती है। तो जो दवा 50-60 रुपए किलो में बाजार में मिल रही है पेट्रोलियम जेली, उसको एक अमेरिकन कंपनी 1600 रुपए किलो में बेच रही है। ऐसी लूट मचा रखी है इस देश में। अगर आप गणित का हिसाब निकालेंगे तो विक्स की बिक्री में इस प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी को 20,000% से ज्यादा का मुनाफा है, और ये मुनाफा आपकी जेब से लूटा जा रहा है, और सरकार इस घोटाले में शामिल है। सरकार ने लाइसेंस दे रखा है, आंखें बंद कर रखी हैं, कंपनी लूट रही है पूरे देश को, और दवा ऐसी बेची जा रही है जो कहीं नहीं बिकती पूरी दुनिया। हम सब लोग विदेश प्रवास पे जाते रहते हैं और कई बार वहां के डॉक्टर्स और चिकित्सा विशेषज्ञों से बातें करते हैं, तो वो हैरानी से हमसे ये पूछते हैं कि भारत में ये कैसे संभव होता है कि एक पॉइजन मेडिसिन को बेचा जाता है, एक जहर दवा को बेचा जा सकता है भारत। ये हमारे यहाँ होता है। और एक उदाहरण देता हूं, एक विदेशी कंपनी हमारे यहाँ एक दवा बनाती है और बेचती है, उसका नाम है आयोडेक्स। आपने इसका विज्ञापन सुना होगा, आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए। ये आयोडेक्स नाम की दवा हर चोट और मोच के लिए आपको कहा जाता है कि आप इस्तेमाल करो। दुनिया में कोई देश नहीं है जो इसका इस्तेमाल करता आयोडेक्स का, अमेरिका कनाडा जैसे सब देशों में ये बंद है, 20 साल पहले बंद है, लेकिन भारत में धड़ल्ले से बिक रही है।
फालतू में ऐसी दवाएं हमारे यहां बहुत मिलती। और एक उदाहरण देता हूं, हमारे यहां ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए बेबी फूड और बेबी पाउडर्स बेचे जाते हैं जो दुनिया में कोई नहीं बेचता, कहीं नहीं बिकते। हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बेबी पाउडर के नाम पर बहुत सारे ब्रांड हैं, सेरेलक है, नेस्टम है, लैक्टोजन है, ये दुनिया में कहीं नहीं बिकते। अगर आप अमेरिका जाएंगे किसी दुकान में नहीं मिलेगा ये, आप यूरोप में भी नहीं। अमेरिका यूरोप में तो हम लोग देखते हैं कि वहां बड़े बड़े शहरों में होर्डिंग्स लगाए जाते हैं और उन पर लोगों को समझाने के लिए लिखा जाता है बेबी पाउडर नॉट बेबी किलर। वो कहते हैं कि ये बेबी पाउडर नहीं है, बच्चों को मार डाले ऐसी चीज। अमेरिका यूरोप में कोई अपने बच्चों को ये नहीं देता, नेस्टम, सेरेलक, लैक्टोजन, लेकिन भारत में पता नहीं कितने परिवारों में बच्चों को ये खिलाया जाता। पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे भी खराब हो रहे हैं। तो ऐसा हमारे देश में ये बहुत बड़ा घटाटोक है, घोटालेबाजी, रिश्वतखोरी में पूरा चिकित्सा व्यवस्था डूबी हुई है हमारी। और इस चिकित्सा व्यवस्था का एक कड़वा सच है, और मैं पहले से आपसे माफी चाहता हूं लेकिन जरूर कहूंगा, वो कड़वा सच ये है कि ये जितनी बेकार की दवाएं हैं, फालतू की दवाएं, इरेशनल, इररेलीवेंट मेडिसिन, जहरीली दवाएं, इन सबको डॉक्टर्स आपको लिखते हैं एक ही लालच में कि उनको कमीशन मिलता है इन दवाओं को बिकवाने में। हमारे भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं मिलता रहता हूं, उनकी जो प्रेस्क्रिप्शन स्लिप है वो मैं इकट्ठी करता रहता हूं। हमारे पतंजलि योग पीठ में आप जानते हैं कि हर दिन करीब 2,500 मरीज आते हैं, और उनमें से ज्यादा मरीज ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी एलोपैथी के चक्कर में सब बर्बाद करा चुके हैं, किडनी खराब हो गई, लीवर डैमेज हो गया, दमा हो गया, अस्थमा हो गया, अल्सर हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, अंत में आते हैं हमारे यहाँ। तो पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया हम उनसे पूछते हैं, तो उनके प्रेस्क्रिप्शन स्लिप में देखता हूँ, तो डॉक्टर्स की लिखी हुई ऐसी ऐसी दवाएं देखकर मैं हैरान हो जाता हूँ, जिन दवाओं को कोई भी ईमानदार और संवेदनशील डॉक्टर अपने को नहीं खिला सकता, अपने घर परिवार के लोगों को नहीं दे सकता, वो दवाएं डॉक्टर मरीजों को लिखता रहता है। और जब वो स्लिप लेके हम डॉक्टर्स को मिलते हैं और कहते हैं कि आपने ये दवा कैसे लिख दी इस मरीज को, क्योंकि इस दवा के तो 100 से ज्यादा दुष्परिणाम है, दुनिया के इतने देशों में ये बैन है, आपने कैसे लिखा इसको, तो वो डॉक्टर्स जो है ना मुस्करा के रह जाते हैं। और जो थोड़े हमारे नजदीकी हैं वो कहते हैं क्या बताएं भाई, कमीशन मिलता है इसमें, और कमीशन थोड़ा बहुत नहीं मिलता, 40% तक मिलता। आपको शायद ये बात मालूम है या नहीं कि अगर आप किसी केमिस्ट की दुकान से 1,000 रुपए की दवाएं खरीद रहे हैं, किसी डॉक्टर की स्लिप पर लिखी हुई, प्रेस्क्रिप्शन स्लिप पर लिखी हुई, तो उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास जाएगा। ये सारे केमिस्ट जो है ना डॉक्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, कमीशन खोरी है। वो दवा बेचेंगे, मुनाफा आएगा, उसमें से 400 रुपए डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा। और ये काम और बड़े पैमाने पर होता है जब बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी दवाएं डॉक्टर से लिखवाने के लिए कमीशन देती हैं। कैसे कमीशन देती हैं? बहुत सारी कंपनियां डॉक्टर्स को कार देती, गिफ्ट में कार दे देती हैं, टेलीविजन दे देती हैं, मोटरसाइकिल दे देती हैं, घर में एसी लगवा देते हैं। कई कई कंपनियां तो डॉक्टर्स के परिवारी लोगों को स्विट्जरलैंड घूमने का टिकट दे देती हैं, हांगकांग सिंगापुर का टिकट दे देते हैं, कहते हैं जाओ खरीदी करके आओ। अब वो डॉक्टर जब कंपनी से कार पा जाएगा, स्कूटर मोटरसाइकिल लेगा, उनकी बहुत सारी सुविधाएं लेगा, तो वो तो उनका जल खरीद गुलाम हो गया। अब तो कई कंपनियों ने इतने खराब खराब तरीके निकाले हैं इस रिश्वतखोरी के कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके बेटे बेटियों की पढ़ाई का खर्च दवा कंपनी देती है।
डॉक्टर्स के टेलीफोन का खर्च दवा कंपनी भरती है, डॉक्टर्स की गाड़ी में डीजल पेट्रोल का खर्च दवा कंपनी देती है, तो वो डॉक्टर वही दवा लिखते हैं जिसको कंपनी कहती है, और कंपनी वो दवाएं लिखवाती है जिसमें मुनाफा बहुत हो, और मुनाफा उन्हीं दवाओं में है जो सबसे खराब और रद्दी दवाएं। ये सारा रैकेट ऐसे चलता है। तो इस चक्कर में आप जो दवाएं खा रहे हैं, आप नहीं जानते कि उन्हीं दवाओं से आप और ज्यादा बीमार होते चले जा रहे हैं। आप नहीं जानते कि कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपके घुटने के दर्द के लिए जिम्मेदार है, जितनी एंटीपायरेटिक और एंटी एनाल्जेसिक मेडिसिन है, ये सब घुटनों का दर्द करती है। आपको गठिया होगा, संधिवात होगा, अर्थराइटिस होगा, ऑस्टियोअर्थराइटिस होगा, रूमेटिड अर्थराइटिस होगा, ये सब होता है। कितनी ऐसी दवाएं हैं जो आपको मोटापा लाती है। तो इसलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करने आया, विनती करने आया कि आप बीमारी से नहीं बेईमान डॉक्टरों से बचो, आप बीमारी से नहीं ये बेकार की फालतू एलोपैथिक दवाओं से, ये दवाएं बहुत खतरनाक है। आपको मालूम है अमेरिका जैसे देश में अभी जो ज्यादा ईमानदार और संवेदनशील डॉक्टर्स हैं, उन्होंने एक समूह बनाया है और अपने मरीजों को वो कहते हैं कि ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, बिना दवाओं के इलाज करवाओ अपना। अमेरिका में अब यह अभियान शुरू हो गया, कनाडा में यह अभियान शुरू हो गया, यूरोप के देशों में जो सेंसिटिव और इंटेलिजेंट डॉक्टर्स हैं वो भी यही काम में लग गए हैं, ट्रीटमेंट विदाउट मेडिसिन, बिना दवा के इलाज करना बीमारियों का। आप पूछेंगे वो डॉक्टर कैसे करते हैं ये सारा काम बिना दवा के बीमारियों का इलाज, आपको खुशी होगी, आनंद होगा कि ये सारा अभियान वो योग और प्राणायाम की ताकत पे चला रहे हैं। अमेरिका यूरोप में ऐसे सैकड़ों डॉक्टर्स हैं जो अपने मरीजों को प्राणायाम करा रहे हैं, योग करा रहे हैं। अमेरिका यूरोप में ऐसे सैकड़ों हजारों डॉक्टर हैं जो अपने मरीजों को आयुर्वेद की दवाएं दे रहे हैं, और सिर्फ एक ही कारण से कि अंग्रेजी एलोपैथी दवाओं ने बर्बाद कर दिया है लोगों को, शरीर बर्बाद हुआ है, पैसे बहुत बर्बाद हुए। तो जब अमेरिका यूरोप में योग प्राणायाम चालू हो गया है तो भारत में क्यों नहीं करना। इसलिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत के एक एक गांव के हर व्यक्ति को योग प्राणायाम सिखाने का संकल्प लिया है, और इसी के लिए ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया। आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा आनंद आएगा, आपको खुशी होगी, अमेरिका में हर रविवार के दिन सारे बड़े शहरों में कोई भी खाली जगह नहीं है जहां पर प्राणायाम और योग ना होता हो। जैसे ये रायगढ़ का रामलीला मैदान है, ऐसे अमेरिका में जगह जगह मैदान है, पब्लिक पार्क्स कहते हैं उनको, हर रविवार के दिन लोग भरे रहते हैं उन पब्लिक पार्क्स में, प्राणायाम करने के लिए इकट्ठे होते हैं, योग करने के लिए इकट्ठे होते हैं। और अब अमेरिका में ये हालत हो गई है कि रविवार वाले दिन ज्यादा लोग योग और प्राणायाम करने जाते हैं, चर्च में पूजा करने नहीं आते। तो अमेरिका के चर्च में आने वालों की संख्या बहुत कम हो गई, तो चर्च के जो पादरी है ना वो अब बहुत परेशान होने लगे और उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया है कि लोग चर्च में नहीं आते, सब प्राणायाम करने चले जाते। तो अभी अमेरिका के पादरियों ने आपस में मिलकर एक बयान जारी किया और ये कहा है कि जो लोग प्राणायाम करते हैं उनके शरीर में शैतान आ जाता है, ये कहा है। तो अमेरिका के जिन पादरियों ने ये बयान जारी किया कि जो प्राणायाम करते हैं उनके शरीर में शैतान आ जाता है, उन पादरियों के समूह का जो मुख्य पादरी है उसको अमेरिका के एक टेलीविजन चैनल पर बुलाया गया और उससे पूछा गया कि भाई कोई अगर प्राणायाम करता है, योगासन करता है, तो उसका शरीर तो पवित्र होता है और अच्छा होता है, आप बोलते हो इसमें शैतान आ जाता है, ये कैसे।
तो उसने गुस्से में कहा कि ये सब लोग हमारे चर्च में तो आते नहीं है, चर्च तो खाली हो गए हैं और सब पार्क में प्राणायाम कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, हमारे चर्च की इज्जत कम हो रही है, सम्मान कम हो रहा है। तो इसका मतलब उनका धर्म खतरे में पड़ गया है, योग प्राणायाम की ताकत इतनी बड़ी है। जब अमेरिका में ऐसा हो रहा है, यूरोप में ऐसा हो रहा है, तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि योग प्राणायाम तो भारत की विद्या है। परम पूजनीय महर्षि पतंजलि ने इसको भारत से प्रारंभ किया, सारी दुनिया में इस विद्या को भारत ने फैलाया। तो भारत में योग प्राणायाम क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? जब अमेरिका में बढ़ता है, यूरोप में बढ़ता है, तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। इसलिए हम गांव गांव जाते हैं, हर एक व्यक्ति को प्राणायाम कराते हैं, योगासन सिखाते हैं और उसको आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। तो आपसे भी मेरा यही निवेदन है कि आप भी योग प्राणायाम करें अपनी हर बीमारी के इलाज के लिए। और मैं आपको विनम्रता पूर्वक लेकिन दृढ़ता के साथ ये कह रहा हूँ कि एक भी बीमारी आपकी एलोपैथी दवाओं से ठीक नहीं होगी। सामान्य बीमारियां ठीक नहीं हो पाती एलोपैथी में, तो गंभीर बीमारी तो कभी नहीं होती। अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाए, आप कुछ मत करो, कुछ मत करो, बस गर्म पानी पीते रहो, तीन दिन में अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन कोई एलोपैथी दवा अगर आपने खाई तो वो 10 से 15 दिन तक ठीक नहीं होगा वही जुकाम। ये हाल है एलोपैथी का। तो आप ज्यादा फालतू एलोपैथी दवाएं ना खाएं, ये हमारा आपको संदेश है। पर आप अपने जीवन में योग प्राणायाम का अपने जीवन में उपयोग करें, हर बीमारी का समाधान आपको वहां मिलेगा। तब आप ये कह सकते हैं कि हमको तो पता ही नहीं है कौन सी दवाएं हैं आयुर्वेद में जो हमारी बीमारी को ठीक कर सकती हैं, प्राणायाम कौन कौन से हैं जो हमारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ दवाएं बताना चाहता हूं जो आयुर्वेद में बहुत अच्छी मानी जाती हैं और हमारे घर की रसोई में आराम से वो दवाएं मिल जाती हैं। हमारे जो घर की रसोई है वो दवाओं का सबसे बड़ा भंडार है। तो रसोई घर में जितनी दवाएं हैं और बहुत अच्छी है और आयुर्वेद में हजारों वर्षों से इस्तेमाल हो रही है, ऐसी कुछ दवाएं मैं आपको बताऊंगा। आपके पास अगर कागज है, कोई डायरी है, नोटबुक है, तो आप जरूर लिख लीजिए और ये दवाएं आपके बहुत काम आएंगी। हमारे जो योग शिक्षक बैठे हैं वो तो जरूर लिखें, क्योंकि हर दिन वो योग कक्षा में जाते हैं और हर दिन उनको इन दवाओं के बारे में लोगों से बात करने में आसानी हो जाएगी। ऐसी क्या क्या दवाएं हैं हमारे घर में और योग प्राणायाम में कौन सी विधियां हैं जिनसे हम हमारी बीमारियां ठीक कर सकें? मैं शुरू करता हूं डायबिटीज से, शुगर की बीमारी जो बहुत तेजी से बढ़ रही है इस देश में। 5,70,00,000 भारतवासियों को शुगर हो चुकी है, डायबिटीज हो चुकी है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ को होने वाली है। माने 8,70,00,000 भारतवासी थोड़े दिन बाद इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। और ये बीमारी जो है ना साइलेंट किलर है। साइलेंट किलर का माने आपको चुपचाप मार डाले ऐसी बीमारी है। अगर आपको डायबिटीज हो गई, शुगर हो गई, तो कभी भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कभी भी पैरालिसिस हो सकता है, कभी भी दोनों गुर्दे खराब हो सकते हैं, लीवर खराब हो सकता है। और अगर डायबिटीज आ गई है तो नपुंसकता तो कभी भी आ जाएगी, आंखों की रोशनी आपकी कभी भी चली जाएगी। बहुत खतरनाक है ये डायबिटीज, इसलिए इसके बारे में गंभीरता से आप इलाज करिए। इलाज क्या करना है? सबसे पहले आपको 5 मिनट हर दिन करना है भस्त्रिका प्राणायाम। सवेरे खाली पेट 5 मिनट आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना है जरूर, जो डायबिटीज के मरीज हैं।
और आधा घंटे के लिए करना है कपालभाति प्राणायाम और आधा घंटे के लिए करना है अनुलोम विलोम। तो 5 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम हर दिन करने हैं। भस्त्रिका कैसे होता है आप जानते हैं, आराम से आप बैठे हुए हैं और आपके हाथ की पहली उंगली को अंगूठे के साथ स्पर्श कराइए, ये ध्यान मुद्रा होती है, इस मुद्रा में बैठ जाइए, हाथ आपके दोनों घुटनों पर होंगे और आराम से बैठकर धीरे धीरे सांस भरिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए, लंबी सांस भरिए और लंबी सांस छोड़िए। जितनी धीमे सांस आप लेंगे और जितनी धीमे सांस छोड़ेंगे उतना ही ये प्राणायाम अच्छा होगा। जितनी गहरी सांस लेंगे जितनी गहरी सांस छोड़ेंगे उतना ही ये प्राणायाम अच्छा होगा। मैं एक बार इसको करके दिखाता हूँ, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बस सांस लेते रहिए छोड़ते रहिए और ये 5 मिनट लगातार करना। इसके बाद जो दूसरा प्राणायाम करना है आपको वो है कपालभाति। कपालभाति में क्या होता है, झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना, झटके से फोर्स के साथ। और जब आप श्वास को बाहर निकालेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ये है कपालभाति, हर दिन आपको आधा घंटे करना। तीसरा प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में क्या करना है, दाहिनी नाक जो है ना वो बंद करके बाईं नाक से पूरी सांस निकालनी है और फिर बाईं नाक से सांस भर के उसको दाहिनी नाक से निकालना है, फिर दाहिनी नाक से सांस भर के बाईं से निकालना, फिर बाईं से सांस भर के दाहिनी नाक से निकालना। बस इसी तरह से आप इसको दोहराते रहें, ये है अनुलोम विलोम। तो आधा घंटे आप अनुलोम विलोम करें, आधा घंटे कपालभाति करें और 5 मिनट करें भस्त्रिका। ये 3 प्राणायाम अगर आप नियमित करेंगे तो आपकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी, गारंटी के साथ ठीक हो जाए और लगभग 1.5 से 2 महीने में ही ठीक हो जाए। हमने देखा है कि नियमित रूप से हर दिन 1 घंटे जिसने भी प्राणायाम किया, अनुलोम विलोम, कपाल भाति और भस्त्रिका, सभी की डायबिटीज 1.5-2 महीने में ही ठीक होती है। कितनी बढ़िया डायबिटीज की ये ठीक करने की प्रक्रिया है, कितना अच्छा ट्रीटमेंट, पैसा कोई खर्च नहीं हो रहा है, शरीर को कोई दुष्परिणाम नहीं हो रहा है। आप रोज अपने घर में ये कर सकते हैं, करोड़पति आदमी भी ये कर सकता है और रोगपति भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है, महलों में रहने वाला भी कर सकता है, झोपड़ी में रहने वाला भी कर सकता है। तो आप ये प्राणायाम करें और आयुर्वेद की एक दवा आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, वो आप डायबिटीज में इस्तेमाल करें। ये दवा आप घर में ही बना सकते हैं। वैसे तो डायबिटीज की दवा हमारे पतंजलि चिकित्सालय में भी मिलती है, मधुनाशिनी बटी कहते हैं, आप वो चाहे तो ले सकते हैं और या चाहे तो घर में ही आप दवा बना लीजिए डायबिटीज के। जो घर में आप दवा बनाएंगे वो कैसे बनेगी, 100 ग्राम लीजिए मेथी का दाना और इस 100 ग्राम मेथी दाने को धूप में सुखाइए और 2-3 दिन जब आप इसको धूप में सुखा देंगे तो इसको पत्थर में पीस लीजिए, पाउडर बन जाएगा। तो 100 ग्राम मेथी दाने का पाउडर ले लीजिए। फिर एक दूसरी दवा है, 100 ग्राम लीजिए तेज पत्ता। तेज पत्ता हमारे घर में है, आप इसको धूप में सुखा लीजिए, पत्थर में पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए।
तो 100 ग्राम तेज पत्ता, और तीसरी दवा है 150 ग्राम जामुन की गुठली। जामुन का फल आता है, उसे आप खाते हैं, उसकी गुठली को मत फेंके। जामुन का बीज, जामुन की गुठली, तो जामुन को खाइए और उसका जो बीज है उसको धूप में सुखा लीजिए और उसको सुखाकर पाउडर बना लीजिए 150 ग्राम जामुन के बीज का पाउडर। और चौथी दवा है बेलपत्र। शंकर भगवान को जो आप बेलपत्र चढ़ाते हैं वो 250 ग्राम तोड़िए और उसको धूप में सुखाकर उसको पीसकर उसका भी पाउडर बना लीजिए। अब ये चार दवाएं आपके पास है, 250 ग्राम बेलपत्र के पत्ते को पीसकर पाउडर बना लिया, 150 ग्राम जामुन की बीज को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लिया, 100 ग्राम मेथी दाने को सुखाकर पीसकर पाउडर बना लिया और 100 ग्राम तेज पत्ते को पीसकर सुखाकर पाउडर बना लिया। ये चारों को पीसकर आपस में मिला दीजिए और एक कांच की शीशी में इसको भर के रखिए। बस यही दवा है डायबिटीज की। अब इसको खाएंगे कैसे? एक चम्मच पाउडर सुबह लेना है गर्म पानी के साथ, नाश्ता करने से एक घंटे पहले, और एक चम्मच पाउडर शाम को लेना है खाना खाने से एक घंटे पहले। तो सुबह शाम एक एक चम्मच पाउडर लेते जाइए और गर्म पानी से लेना, और इसको 1.5-2 महीने अगर आपने ले लिया तो ये आपके डायबिटीज को बिल्कुल ठीक कर देगा, शुगर एकदम आपकी ठीक हो जाएगी। आप जान लीजिए एलोपैथी में डायबिटीज को ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में, योग प्राणायाम में गारंटी से डायबिटीज ठीक होता है और लाखों लोगों का डायबिटीज ठीक हुआ है पिछले 10 वर्षों में और वो अभी अपना जीवन सामान्य रूप से बिता रहे हैं। मेरी आपको ये प्रार्थना है कि जो मैंने आपको बताया ये आप उन सभी को बताइए जिनको शुगर की बीमारी हो गई है, डायबिटीज उनको हो गया है, क्योंकि 5,70,00,000 भारतवासियों को इसकी जरूरत है और वो अगर इससे अपना जीवन सुखी बना पाएंगे तो इस पुण्य का लाभ आपको भी मिलेगा। तो आप अगर खुद डायबिटिक हैं तो अपना इस्तेमाल करें और कोई आपके परिचित मित्र हैं उनको भी बताएं। इस पूरे चिकित्सा को करते समय बस एक ही सावधानी आप रखिए, चीनी मत खाइए, चीनी खाना बंद कर दीजिए। डायबिटीज का इलाज करते समय आप ये आयुर्वेद की जो औषधि खाएंगे इसमें आप चीनी मत खाइए, बस इतना ही सावधानी रखिए। आप बोलेंगे चीनी में क्या समस्या है, चीनी ही तो सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूँ कि जब से भारत में चीनी आई तभी से ये डायबिटीज आई। आपको मालूम है शुरू कराई थी इसका उत्पादन, अंग्रेजों के पहले भारत में कोई चीनी खाता नहीं था, चीनी कोई बनाता भी नहीं था। हम सब भारतवासी गुड़ खाते थे, बूरा खाते थे, खांड खाते थे, चीनी कोई नहीं खाता था। एक भी दुनिया की अच्छी चीज चीनी में नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हमारे शरीर के लिए काम आने वाले कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो हम भोजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, चीनी में एक भी सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं, जिनको अंग्रेजी में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, वो एक भी चीनी में नहीं है। चीनी में कैल्शियम नहीं है, चीनी में आयरन नहीं है, चीनी में पोटेशियम नहीं है, चीनी में सोडियम नहीं है, चीनी में कुछ नहीं है, न मैग्नीशियम है, न मैग्नीज है, एक भी चीज जो शरीर के काम आती है वो चीनी में नहीं है। चीनी में ना प्रोटीन है, चीनी में ना विटामिन्स है, चीनी में ना कोई मिनरल है,
ना उसमें विटामिन है, ना प्रोटीन है, ना मिनरल है, कुछ है ही नहीं उसमें, खाली उसमें मीठापन है और कुछ है। और दुर्भाग्य से चीनी का जो मीठापन है वो आपके शरीर के काम का नहीं है। ये जो चीनी का मीठापन है ना, इसको विज्ञान और तकनीकी की परिभाषा में सुक्रोज कहते हैं। ये जो सुक्रोज है ये शरीर को हजम नहीं हो पाता। तो चीनी जो खाते हैं इसका मीठापन आपके शरीर में हजम नहीं हो पाता। फिर क्या होता है, आप जो चीनी खाते हैं उसका मीठापन आपके खून को गाढ़ा बनाता रहता है, और खून जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो 103 खतरनाक बीमारियां आपको आएंगी। आपका मोटापा बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, डायबिटीज शुगर तो होने ही वाली है, थोड़े दिन में घुटनों का दर्द आएगा, कमर का दर्द आएगा, कंधे का दर्द आएगा, बहुत ज्यादा दिन तक अगर आप ये झेलते रहे तो किडनी खराब होगी, लीवर डैमेज होगा। 103 खतरनाक बीमारियां आती हैं चीनी के कारण। इसलिए चीनी तो बंद ही करना है आपको। जो डायबिटीज के मरीज हैं वो तो तुरंत बंद कर दें, और जो स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं वो भी चीनी खाना बंद कर दें। फिर आप बोलेंगे जी क्या खाएं, गुड़ खाओ ना गुड़। देखो आप सीधी सी बात समझ लो, एक मीठापन ऐसा है जो भगवान ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, और एक मीठापन ऐसा है जो आदमी ने बनाया। ये चीनी वो है जो आदमी बनाता है, और ये गुड़ का मीठापन है जो भगवान ने बनाया। गुड़ कहां से आया, गन्ने के रस में से आया। अब गन्ना तो भगवान ने बनाया, उसमें रस भगवान ने दिया, और गुड़ में क्या होता है, गरम करते हुए गन्ने का रस गुड़ बन जाता है, हम उसमें कुछ नहीं मिलाते, बस थोड़ा गुड़ को साफ रखने के लिए गन्ने के रस में दूध मिला दिया जाता है, दूध जो आप पीते हैं, या भिंडी होती है ना, भिंडी, भिंडी का रस मिला देते हैं। तो गुड़ बनाना माने वही जो ईश्वर ने दिया आप उसी को खा रहे हैं। चीनी जो है ना ये बहुत खतरनाक है, ये बनती तो गन्ने के ही रस से, लेकिन इसमें जितने केमिकल्स डालने पड़ते हैं वो सब शैतान के बनाए हुए हैं। शैतान माने इंसान। आपको मालूम है बिना सल्फर के चीनी नहीं बनती। सल्फर दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है जो शैतान ने बनाया। पता है ये सल्फर किस लिए बनाया, ये बनाया गया बम और पटाखों के लिए। ये दिवाली पर हमारे घरों के बच्चे जो पटाखे चलाते हैं, इन सभी पटाखों में सल्फर ही होता है, गंधक जिसको हम कहते हैं। गंधक के मसाले से सारे पटाखे और बम बनते हैं, उसी गंधक के मसाले से चीनी बनती है। और अगर आप चीनी खा रहे हैं तो समझ लो बम पटाखों का मसाला खा रहे हैं। अब ये आप खाओगे, चीनी के साथ सल्फर जाएगा पेट में और ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा खून में, और आपको सैकड़ों तकलीफ करेगा। इसलिए इसे ना खाओ तो अच्छा है। और एक सबसे बड़ा कारण है चीनी नहीं खाने का कि ये चीनी बनती है चीनी मिलों में, शुगर मिल, और सारी भारत की शुगर मिल भारत के सबसे बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की। भारत की राजनीति में जो सबसे ज्यादा बेईमान, हरामी और लालची नेता हैं, उन्हीं की चीनी मिले हैं पूरे देश में। आप अगर घूमो पूरे भारत में तो सबसे ज्यादा चीनी मिले महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा बेईमान और हरामी नेता उनके मालिक हैं चीनी में। फिर कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, सारे बेईमान नेताओं की राजनीति इन्हीं चीनी मिलों से चलती है। इसका मतलब है कि जब भी आप चीनी खरीदोगे तो उसका पैसा किसी न किसी बेईमान और भ्रष्ट नेता की जेब में ही जाएगा। इसका माने आप चीनी खरीदकर बेईमान और भ्रष्ट नेताओं की ताकत बढ़ा रहे हैं। और फिर आप भ्रष्टाचार खत्म कैसे करोगे इस देश का,
इसलिए ये चीनी खाना तुरंत बंद कर दो। फिर क्या खाओ? गुड़ खाओ। गुड़ बनाते हैं हमारे देश के गरीब किसान। अगर आप गुड़ खा रहे हो तो आपका पैसा किसी न किसी गरीब किसान के पास जा रहा है और वो किसान की गरीबी दूर करने में काम आ रहा है। तो आप गुड़ खाओ ताकि पैसा गरीब किसानों के पास सीधा जाए। और गुड़ में फायदा क्या है? गुड़ में सबसे ज्यादा कैल्शियम है जो हमारे शरीर को हड्डियां बनाने में काम आता है। कैल्शियम से हड्डियां बनती है, कैल्शियम से खून बनता है, कैल्शियम से ये मांस बनता है, कैल्शियम से ये पूरा शरीर बनता है। गुड़ में भगवान का दिया हुआ भरपूर कैल्शियम है। गुड़ में और एक दूसरा केमिकल है फॉस्फोरस। ये कैल्शियम फॉस्फोरस की मदद से हड्डियों को मजबूत बनाता है और गुड़ में भरपूर फॉस्फोरस है। गुड़ में बहुत बड़ी मात्रा में मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, पोटेशियम है, सोडियम है। गुड़ हर तरीके से शरीर के लिए लाभकारी है। तो आप गुड़ खाओ, चीनी घर से हटाओ। चाय पीनी है तो गुड़ की पियो, दूध पीना है गुड़ से पियो, दही खाना है गुड़ का खाओ, हलवा बनाना है तो गुड़ का बनाओ, लड्डू बनाने हैं गुड़ के बनाओ, पेड़ा बनाना है, मिठाई बनानी है गुड़ की बनाओ। हर चीज गुड़ से बनती है। और आप तो बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका इलाका उड़ीसा बंगाल से लगा हुआ है और ये उड़ीसा बंगाल में भारत का सबसे बेहतरीन खजूर गुड़ बनता है। उड़ीसा बंगाल में भारत का सबसे बेहतरीन ताड़ गुड़ बनता है, ताड़ के पेड़ से निकले हुए रस से जो गुड़ बनता है। तो आपको खजूर गुड़ भी मिलता है, ताड़ गुड़ भी मिलता है, आपको गन्ने के रस वाला भी गुड़ मिलता है। तो आप तो बहुत भाग्यशाली है, तीनों तरह के गुड़ आपके यहाँ मिलते हैं। तो आप यही गुड़ खाओ, इससे शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भारत के किसानों को मदद मिलेगी। मैंने एक दिन हिसाब निकाला था, सारे भारतवासी मेरी इस विनम्र अपील को अगर मान लें, चीनी खाना बंद कर दें, तो एक साल में जितने रुपए की चीनी हम खा रहे हैं, इतने ही रुपए का गुड़ खाना शुरू कर दें, तो 15 करोड़ किसानों को हमेशा के लिए हम करोड़पति बना सकते हैं। जो गन्ना पैदा कर रहे हैं और गुड़ बनाकर देश को दे रहे हैं। आपको मालूम है ये जो चीनी मिल चलाने वाले बेईमान नेता हैं, ये करते क्या हैं? किसानों से जबरदस्ती गन्ना ले लेते हैं और दो दो तीन तीन साल तक उनको पैसा ही नहीं देते। गन्ना ले लेते, पैसे नहीं देते, पैसे 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, बेचारे किसान भटकते रहते हैं। फिर मैं किसानों से कहता हूं कि आप इनको गन्ना देते क्यों हो? तो किसान मुझे कहते हैं कि इन बेईमान नेताओं ने कानून बना रखे हैं कि जिस इलाके में चीनी मिल खुल गई है वहां के आसपास के सारे किसान अपना गन्ना उसी चीनी मिल को देंगे, नहीं तो किसानों को पुलिस पकड़ती है, परेशान करती, लाठी चार्ज भी हो जाता है उनके साथ। और ये सारे चीनी मिलों में कई कई सालों से किसानों के पेमेंट रुके हुए पड़े हैं। तो आप इन चीनी को खाकर शरीर को खराब मत करिए, किसानों को बर्बाद मत करिए। इसलिए मैंने कहा गुड़ खाइए, अपना शरीर अच्छा बनाइए, भारत के किसानों की भी मदद करिए। एक आखिरी छोटी सी बात मैं आपको याद के लिए कहना चाहता हूं, आप इसको हमेशा सबको कहिए। आप खाना खाएं और खाने के बाद पीछे से थोड़ा गुड़ जरूर खाएं। ये गुड़ जो है ना, खाने को, पाचन को जल्दी कराता है, माने खाना जल्दी हजम होता है अगर आप गुड़ खाते हैं तो। आप खाना खाइए, लंच या डिनर, दोपहर का या रात का, और पीछे से थोड़ा गुड़ खा लीजिए, तो सारा खाना आपका लगभग 4 घंटे में हजम हो जाएगा। वैसे खाने को हजम होने में 6 घंटे लगते हैं, लेकिन गुड़ खा लिया अगर आपने खाने के पीछे तो वो 4 घंटे में ही हजम होगा। खाना हजम होने का मतलब आप जानते हैं, उसका खून में बदल जाना। जो कुछ भी हम खाते हैं इसी का खून बनता है। तो खाना खाएंगे, हजम हुआ, खून में बदल गया, 4 घंटे में ये काम होता है गुड़ की मदद से। अब दूसरी बात याद रखिएगा कि अगर खाने के बाद आपने 1 चम्मच चीनी खा ली
तो ये खाना कभी भी हजम नहीं होगा। पता है क्या होगा, ये एक चम्मच चीनी खाने को हजम नहीं होने देगी। क्यों नहीं होगा खाना हजम, आप पूछोगे ये प्रश्न। बात ऐसी है कि चीनी जैसे ही हम खाते हैं, हमारे पेट का जो जठर एपिगैस्ट्रियम है वो अम्लीय हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, और जठर अगर एसिडिक हुआ है तो फिर खाना हजम नहीं हो पाता। खाने को हजम होने के लिए जठर को, एपिगैस्ट्रियम को क्षारीय होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए। चीनी खाते ही वो एसिडिक हो जाता है, फिर क्या होता है कि खाना हजम नहीं होता, फिर वो खाना सड़ता है, सड़ा हुआ खाना कोलेस्ट्रॉल में बदलता है, और वो कोलेस्ट्रॉल 103 बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए चीनी कभी भी मत खाइए। और आप जैसे ही चीनी छोड़ देंगे, आप देखेंगे आपका शरीर बहुत हल्का हो जाएगा। जितने लोगों का वजन बढ़ा हुआ है वो सब अपने आप कम हो जाएगा। जिनके घुटनों में दर्द है, चीनी बंद करते ही ये दर्द कम हो जाएगा। जिनका हाई बीपी है, बीपी कम होगा। जिनकी शुगर बढ़ी है, शुगर कम होगी। हर बीमारी आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो चीनी छोड़ें, गुड़ खाएं, ये मेरा निवेदन है। और डायबिटीज के मरीज तो तुरंत करें इस काम को, जो डायबिटीज नहीं है जिनको वो भी करें, ताकि भविष्य में आपको ये बीमारी कभी भी ना हो। आगे चलें और अब एक दूसरी बीमारी की बात करें, जो है हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज की बात मैंने की, अब हाई बीपी की बात करें। हाई ब्लड प्रेशर बीमारी को ठीक करने के लिए 3 प्राणायाम बहुत जरूरी हैं। पहला वही भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम। तो ये 3 प्राणायाम करना लगभग 1 घंटे। और दवा कौन सी खानी है आयुर्वेद की, आपके घर में बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। उनमें से एक दवा है दालचीनी। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर रोज शहद में मिला के गर्म पानी के साथ खाएं। आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच शहद, दोनों मिलाएं और गर्म पानी के साथ खाएं। और अगर आपको डायबिटीज है तो दालचीनी पाउडर खाली गर्म पानी से ही खाएं, उसमें शहद ना मिलाएं। इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होगा। दालचीनी हाई ब्लड प्रेशर की बहुत अच्छी दवा है। एक दूसरी दवा है हमारे घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो है मेथी का दाना। आप मेथी दाना ले लें आधा चम्मच, और 1 गिलास गर्म पानी में रात को डाल दें। रात भर इसको पड़ा रहने दें, सुबह सुबह उस पानी को पी लें खाली पेट, और मेथी दाने को चबा के खा लें। इससे भी आपका हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होगा। तीसरी एक दवा है आपके घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, उसका नाम है अर्जुन की छाल। अर्जुन छाल बाजार में भी मिल जाती है, 20-25 रुपए किलो आती है। इसको धूप में सुखाकर पत्थर में पीस लें। आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर 1 कप पानी में डालकर खूब गर्म कर लें और उसको फिर पी लें ठंडा करके। इससे हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ठीक होता है। और अर्जुन की छाल के पाउडर से हृदय रोग भी ठीक होते हैं। जैसे आपके हृदय में कहीं ब्लॉकेज आ गया, आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया, अब आप उसके लिए एंजियोप्लास्टी ऑपरेशन कराएंगे तो 2 लाख खर्च होगा, और यही काम आपका अर्जुन की छाल का पाउडर कर देगा बिल्कुल मुफ्त में। आधा चम्मच अर्जुन छाल पाउडर 1 कप पानी में खूब गर्म करके इसको चाय की तरह से रोज सुबह पी लेंगे तो 4-6 महीने में आपका ब्लॉकेज भी निकल जाएगा। हाई बीपी तो ठीक होगा ही, ब्लॉकेज भी ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, ट्राइग्लिसराइड्स ठीक हो जाएंगे आपके। ये अर्जुन जो है ना, अर्जुन की छाल, ये कमजोर दिल वालों की सबसे अच्छी दवा है। कई बार आपको डॉक्टर अगर ऐसा कहता है कि आपका दिल बहुत कमजोर है तो आप जरूर इस अर्जुन की छाल का उपयोग करें। और एक दवा बताता हूं आपको हाई बीपी की, बहुत अच्छी, लौकी का रस पिए।
एक कप लौकी का रस हर दिन सवेरे खाली पेट पिए नाश्ता करने से एक घंटे पहले, और इस लौकी के रस में 5-6 पत्ते धनिया के, 5-6 पत्ते पुदीना के, 5-6 पत्ते तुलसी के पीस के जरूर डालें, और 3-4 काली मिर्च, ये सब मिला के फिर आप लौकी का रस पिए तो हाई ब्लड प्रेशर भी ठीक होगा इससे, शुगर भी नॉर्मल होगी इससे, और आपके हृदय के रोग भी ठीक होंगे, कोलेस्ट्रॉल भी ठीक होगा, मोटापा भी घटेगा, शरीर हल्का हो जाएगा आपका। और एक अच्छी दवा बताता हूं आपको हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो भी आपके घर के आसपास मिल जाएगी, उसका नाम है बेल पत्र के पत्ते। बेल पत्र का जो पेड़ है उसके पत्ते जो हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं, आप सभी पहचानते हैं उसको, तो बेल पत्र के 5 पत्ते ले लें, पत्थर में पीस लें, इसकी चटनी बन जाएगी, और इसको 1 गिलास पानी में डालकर इतना गर्म करें कि पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पिएं। ये बेल पत्र के पत्ते का काढ़ा है, इसको आप हर दिन पिएंगे तो हाई ब्लड प्रेशर सबसे जल्दी ठीक होता है। जो लोगों को 20-20 साल से हाई ब्लड प्रेशर है उनको आप कहिए कि ये बेल पत्र के पत्ते का काढ़ा पिए और प्राणायाम करें, 1.5-2 महीने में उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जो 20 साल से है वो बीमारी 1.5-2 महीने में ठीक हो जाए, इतना अच्छा है ये बेल पत्र। मेरा निवेदन है कि आप सभी शंकर जी को जब पूजा करते हैं और बेलपत्र उनको चढ़ाते हैं तो ये बेलपत्र मंदिर में ना छोड़ें, शंकर जी को स्पर्श करा के वापस ले आए, और इसकी इसकी दवा बना के खाएं, क्योंकि आप शंकर जी के मंदिर में छोड़ देते हैं और वो पुजारी उसको कचरे के डिब्बे में फेंक देता। हर सोमवार को हजारों मीट्रिक टन बेलपत्र बर्बाद होते हैं इस देश में, और मैंने इसका सोचा एक दिन हिसाब कि जितने शंकर मंदिर हैं और जितने बेलपत्र के पत्ते चढ़ाए जा रहे हैं, अगर हम वो बेकार ना करें उतने ही पत्तों से भारत के 20 करोड़ लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक किया जा सकता है। तो अब आपको मंदिर की पूजा के पद्धति में थोड़ा बदलाव करना है, शंकर जी के मंदिर में जाइए बेलपत्र चढ़ाइए लेकिन शंकर जी को स्पर्श करा के वो वापस ले आइए, वो शंकर जी का प्रसाद है, और उसको आप चबा के खा लीजिए और पीछे से गर्म पानी पी लीजिए तो आपका मोटापा कम कर देगा, बीपी कम कर देगा, शुगर कम कर देगा, कोलेस्ट्रॉल कम कर देगा, ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएंगे, इतनी बीमारी अकेले बेलपत्र से ही हो जाएगी ठीक। और अगर यहाँ कोई मंदिर के पुजारी बैठे हैं तो उनको तो निवेदन है मेरा कि जितने बेलपत्र मंदिर में आते हैं उसको धूप में सुखा लें और उसका पीस के पाउडर बनवा लें, और मंदिर में आने वाले हर भक्त को पुड़िया बना बना के वो बेलपत्र के पाउडर की दे। शंकर जी ने ये आपके लिए दिया है, शंकर जी को तो कोई हाई बीपी नहीं है, ना लो बीपी है, ना उनको डायबिटीज है, ना उनको कोलेस्ट्रॉल, ये आपके लिए दिया है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर को जो अर्पित होता है वही प्रसाद है, तो बेलपत्र ही प्रसाद है आपके। आगे चलें, और एक अच्छी दवा है हमारे घर में हाई ब्लड प्रेशर के लिए, वो है गाय का मूत्र। ये जो देशी गाय होती है, भारतीय गाय है, इसका 1/2 कप ताजा मूत्र रोज सुबह खाली पेट जो भी पी लेगा उसी का हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, और देशी गाय के मूत्र से शुगर भी ठीक होती है, डायबिटीज भी ठीक होती है, मोटापा कम होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से एसिडिटी ठीक होती है, हाइपर एसिडिटी ठीक होती है, अल्सर ठीक होता है, पेप्टिक अल्सर ठीक होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से दमा ठीक होता है, अस्थमा ठीक होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से ब्रोंकियल अस्थमा ठीक होता है। देशी गाय का मूत्र पीने से ट्यूबरकुलोसिस ठीक होता है, टीबी बहुत खतरनाक रोग है, ये ठीक हो जाता है। तो आप देशी गाय का मूत्र जरूर पी सकते हैं। ये घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस सब ठीक हो जाते हैं। अद्भुत औषधि है देशी गाय का मूत्र, तो आप उसे भी पी सकते हैं।
आपके घर के आसपास जहां भी देशी गाय है आप ले सकते हैं। बस इसमें सावधानी रखनी है दो। पहली सावधानी है कि जिस गाय का मूत्र लेंगे वो देशी होनी चाहिए, जर्सी नहीं। जर्सी, होलिस्ट्रियन, फ्रीजियन जो विदेशी गाय है उसका मूत्र कभी भी ना पिए। और दूसरी सावधानी कि गाय जब गर्भवती हो तब उसका मूत्र ना पिए। जब गाय गर्भावस्था में होती है ना उस समय उसका मूत्र पीने लायक नहीं होता। इसका मतलब है गाय की जो बछड़ी है, कुमारी गाय, उसका मूत्र कभी भी पिए, वो सबसे अच्छा है, सबसे ज्यादा सुरक्षित। और ये देशी गाय का मूत्र है ना, ये कई बीमारियां जो ठीक करता है, इसमें से कुछ बीमारियों को याद रखें। ये जो कुमारी गाय, देशी गाय, बछड़ी का मूत्र एक एक बूंद अगर आंख में डाल दिया जाए ताजा, तो आंखों के सभी रोग ठीक करता है। आंखों में मोतिया बिंद है वो ठीक हो जाता है, आंखों में काला मोतिया है वो ठीक हो जाता है, आंखों में रेटिनल डिटैचमेंट है वो ठीक हो जाता है, आंखों में रात को दिखाई नहीं देता वो ठीक होता है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। कई लोगों को आंखों से दिन में दिखाई नहीं देता, डे ब्लाइंडनेस, वो ठीक होती है। कई लोगों को रंगों का अंतर पता नहीं चलता आंखों में, वो बिल्कुल ठीक होता है गोमूत्र से। मैंने जो आंखों की बीमारियों के नाम लिए ना, इसमें सबसे खराब बीमारी है रेटिनल डिटैचमेंट, ये कहीं ठीक नहीं होती। अमेरिका भी चले जाओ तो बहुत मुश्किल होता है इसका ठीक होना, लेकिन ये गाय के मूत्र से बिल्कुल ठीक हो जाती है। और करना क्या है, कुमारी गाय का, बछड़ी गाय का एक एक बूंद मूत्र आंख में डालना ताजा सवेरे, और वो ड्रॉपर आता है ना उसकी मदद से डालना, बहुत अच्छा इलाज है। कान में अगर कोई बीमारी है आपके कान में, जैसे कान से सुनाई कम देता है, कान में हर समय आवाज आती है, हम ऐसे करके आवाज आती रहती है, या कान से मवाद निकलता है, गंदगी निकलती है, कान में फोड़े फुंसी हो जाते हैं, ये सब बीमारियों के लिए गोमूत्र डालिए कान में, बिल्कुल ठीक हो जाता है। बहुत तेज दर्द हो रहा है कान में तो एक बूंद गाय मूत्र डाल दीजिए, तुरंत दर्द बंद हो जाता है कान का, बहुत अच्छी दवा है ये कान की। सिर में दर्द है, माथा दर्द है, माइग्रेन है, इसकी बहुत अच्छी दवा है गाय का घी। गाय घी को हल्का गर्म करके एक एक बूंद दोनों नाक में डाल के रात में सो जाइए, तो सिर दर्द सभी ठीक होगा, माथा दर्द सभी ठीक होगा। और ये गाय घी को अगर आप नाक में डालते हैं ना, तो इससे नींद बहुत अच्छी आती है। जो लोगों को रात में नींद नहीं आती, अनिद्रा की बीमारी है, उन सबको बोलिए कि गाय घी नाक में डाल के सोएं। कई लोग ऐसे हैं जो रात को सोते समय नाक से आवाज निकालते हैं, संगीत निकालते हैं, और उनका संगीत विचित्र विचित्र तरह का होता है। जो सोते हैं ना वो तो मस्ती से सोते हैं, उनके पड़ोसी हमेशा परेशान होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छी दवा है गाय घी। गाय घी को हल्का गर्म करें, रात में एक एक बूंद नाक में डाल के सो जाएं, नाक से आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाता है। गाय घी और एक बीमारी में काम आता है, जब नाक में किसी को हर समय छींक आती रहती है, जुकाम होता रहता है, नाक से पानी आता रहता है, तो गाय घी बहुत अच्छी दवा है। हल्का गर्म करिए, नाक में डालिए, सो जाए। एक बहुत खराब बीमारी है साइनस, साइनोसाइटिस, उसकी भी दवा ये गाय घी ही है, साइनस ठीक हो जाता है गाय घी से। और एक खराब बीमारी लिया, जिनको स्नोफीलिया ज्यादा है, माने सर्दी खांसी होती ही रहती है हर समय, तो वो गाय घी डालें, ठीक होता है, बहुत जल्दी ठीक होता है। और गाय घी एक बहुत अच्छे काम में आता है, जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, और सिर में, ब्रेन में कहीं खून जमा हो जाए थक्का, तो गाय घी उसको सबसे जल्दी निकालता है। गाय घी नाक में डालते रहिए, बहुत अच्छी दवा। गले की कुछ बीमारियों की बात करें, गले में इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस की बीमारी होती है, इसकी सबसे अच्छी दवा है हल्दी। हल्दी ले लीजिए आधा चम्मच,
और डायरेक्ट इसको मुंह में अंदर खोलकर गले पर डाल दीजिए। मुंह खोलिए, चम्मच में आधा चम्मच हल्दी भरिए और अंदर ले जाके उसको गले में डाल दीजिए और मुंह बंद करके थोड़ी देर बैठ जाइए। तो ये हल्दी लार के साथ गले में नीचे आएगी और एक ही खुराक में आपकी गले की हर बीमारी ठीक हो जाए। टॉन्सिलाइटिस ठीक होता है एक ही डोज, सिंगल डोज। इन्फेक्शन ठीक हो जाता है गले का एक डोज। गले की सूजन ठीक हो जाती है, गले की खिचखिच दूर हो जाती है। बहुत अच्छी दवा। आगे चले, गले और छाती से जुड़ी हुई खांसी एक बीमारी है, कफ। इसकी सबसे अच्छी दवा एक तो हल्दी है, दूध में हल्दी डाल के पीजिए, ये बहुत अच्छी दवा। दूसरा, हल्दी को शहद मिला के चाटिए, ये खांसी की बहुत अच्छी दवा है। हल्दी, शहद और उसमें थोड़ा सा अदरक का रस मिला दीजिए, बहुत अच्छी खांसी की दवा है। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अदरक, अदरक माने अदरक का रस, और आधा चम्मच शहद, ऐसे बना दीजिए और दीजिए, बहुत जल्दी खांसी ठीक होती है। और हमारे घर में कई बार ऐसी हालत होती है कि खांसते खांसते चेहरा लाल हो जाए, ऐसी खांसी में बहुत अच्छी दवा है, आधा चम्मच अदरक का रस लीजिए, आधा चम्मच पान का रस लीजिए, पान जो हम खाते हैं, और आधा चम्मच शहद, ये तीनों को हल्का गर्म करके ले लीजिए तो खतरनाक खांसी बहुत जल्दी ठीक होती है। बहुत खराब खांसी, वूपिंग कफ जिसको कहते हैं, वो तुरंत ठीक हो जाता है। और एक खांसी की दवा है, अनार के रस को गर्म करके पीना, ये खांसी को बहुत जल्दी ठीक करता है। और एक अच्छी दवा है, अमरूद है ना, अमरूद, इसको गर्म करके खाना, ये तुरंत खांसी को ठीक करता है। ठंडा अमरूद खाए माने कच्चा ताजा, तो ये खांसी बढ़ा देता है, लेकिन इसी अमरूद को सेक लो आग पर फिर खाओ, तुरंत खांसी खत्म करता है। और खांसी की एक दवा है, काली मिर्च, गोल मिर्च, इसको मुंह में डाल लो, चूस लो, खांसी ठीक हो जाती। अदरक का छोटा टुकड़ा मुंह में चूसो, खांसी ठीक हो जाती। आगे चले, छाती की कुछ बीमारियां हैं, दमा, अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा, इसका एक इलाज है गाय मूत्र, आधा कप रोज पियो, ठीक हो जाएगा। और दूसरा इलाज है दालचीनी पाउडर, शहद मिला के गर्म पानी के साथ लो, बिल्कुल ठीक हो जाए। आगे चले, पेट की कुछ बीमारियां हैं, एक तो सबसे खराब बीमारी है कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। आप अगर कब्जियत की बीमारी से परेशान हैं, तो आप रात को सोते समय अजवाइन और गुड़ ये चबा के खाइए, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच गुड़, ये दोनों मिला लीजिए, चबा चबा के खाइए और पीछे से हल्का गर्म पानी पी लीजिए, सुबह उठते ही पेट साफ होगा। दूसरी एक दवा है त्रिफला चूर्ण, आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से रात को ले लीजिए, सुबह उठते ही पेट साफ होगा। तीसरी एक बहुत अच्छी दवा है अनार का रस, रोज एक कप अनार रस पिए, पेट साफ होगा। चौथी बहुत अच्छी दवा है अंगूर का रस, ये भी पेट साफ करेगा। और कुछ नहीं है तो आपके घर में जो किशमिश है ना, किशमिश या मुनक्का, इसको रात को पानी में भिगो दीजिए, 10-12 किशमिश हो या 5-6 मुनक्के हो, रात को पानी में डाल दीजिए, सुबह उठकर चबा के खा लीजिए, पीछे से पानी पी लीजिए, ये भी कब्जियत ठीक करेगा। और एक दो बीमारी है गंभीर, जैसे बवासीर, अर्श, पाइल्स, हेमोरॉइड्स, फिस्चुला, फिशर, इन सब बीमारियों की सबसे अच्छी दवा है मूली का रस पीजिए। मूली का जो सफेद हिस्सा होता है उसको पत्थर में पीस कर या जैसे भी रस निकाल लीजिए, एक कप रस खाना खाने के बाद ले लीजिए, सवेरे ले लीजिए, शाम को मत लेना। तो मूली के रस से बवासीर ठीक होता है, और दोनों बवासीर ठीक होते हैं, खूनी बवासीर और बादी बवासीर। और फिशर फिशर और फिशुला भी ठीक हो जाता है इससे, मूली के रस से।
और बवासीर की दूसरी अच्छी दवा है अंगूर का रस। काला वाला अंगूर जब बाजार में आता है, इसका एक कप रस कोई भी रोज पी ले तो इससे बीसियों साल पुराना बवासीर ठीक हो जाता है। अगर पेट में आपको डायरिया हो जाए, डिसेंट्री हो जाए, दस्त लग जाए, तो इसकी बहुत अच्छी दवा है जीरा खाइए। जीरा, कच्चा जीरा आधा चम्मच चबा के खाइए, पीछे से गुनगुना पानी पी लीजिए। एक खुराक में ही दस्त ठीक होते, एक ही खुराक, दूसरी खुराक नहीं लेनी पड़े। और एक अच्छी दवा है डायरिया डिसेंट्री दस्त के लिए, घर में जो कच्चा दूध है बिना गर्म किया हुआ दूध आधा कप लीजिए और उसमें नींबू निचोड़ के तुरंत पी लीजिए। दूध में नींबू निचोड़े और पी जाए उसको जल्दी, क्योंकि दूध में नींबू डालते ही वो फटता है, तो फटने से पहले उसको पीना। ये डायरिया डिसेंट्री दोनों ठीक करता है और एक ही खुराक बहुत है इसकी। घुटने का दर्द है आपको, घुटने का दर्द, कमर का दर्द है, संधिवात है, गठिया है, तो इसके लिए बहुत अच्छी दवा है सौंठ, हल्दी और मेथी। हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों बराबर मात्रा में लेना। सौंठ को पीस लेना पाउडर बनेगा, मेथी को पीस लेना पाउडर बनेगा, और हल्दी तो पिसा हुआ मिल ही जाएगा। तीनों 100-100 ग्राम लेके आपस में मिला लो और इसका एक चम्मच सुबह खाली पेट गर्म पानी से लेते जाओ तो घुटनों का दर्द, कमर का दर्द सब ठीक कर। और एक अच्छी दवा है कमर दर्द और घुटने दर्द के लिए, वो है हार सिंगार के पत्ते का काढ़ा। हार सिंगार एक पेड़ होता है, उसको संस्कृत में परिजात कहते हैं, हिंदी में हार सिंगार, उड़ीसा वाले उसको गंगा शिवली कहते हैं। उस पेड़ में सफेद छोटे छोटे फूल आते हैं और फूल की डंडी नारंगी रंग की होती है और फूल में खुशबू बहुत होती है और फूल रात को खिलते हैं, सवेरे देखो तो जमीन पे पड़े हुए मिलते हैं। वो हार सिंगार के 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बनाओ, एक गिलास पानी में उसको इतना उबाल दो कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको ठंडा करके पियो। ये घुटनों के दर्द का, गठिया का, संधिवात का सबसे अच्छा इलाज है। 20-20 साल से जो लोग परेशान है गठिया दर्द से, उनको आप बताओगे 2 महीने में ही ठीक होता है इससे। और ये जो पत्ते हैं ना हार सिंगार के, इनको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो ये बुखार की सबसे अच्छी दवा है। अगर आपको खराब से खराब कोई बुखार हो जाए, जैसे चिकनगुनिया, जैसे डेंगू फीवर, जैसे इंसेफ्लाइटिस, ब्रेन मलेरिया जिसको कहते हैं, ये सभी बुखार को ठीक करने की ताकत हार सिंगार के पत्तों में है। 5 पत्ते तोड़ो, पत्थर में पीस के चटनी बनाओ, एक गिलास पानी में इतना गर्म करो, पानी आधा हो जाए, फिर इसको ठंडा करके पी लो। बुखार के किसी भी मरीज को 3 दिन से ज्यादा मत देना और गठिया रोग में इसको 3 महीने से ज्यादा मत देना। गठिया के रोग में 3 महीने तक लेना और बुखार में 3 ही दिन लेना, 4th दिन जरूरत नहीं है। और बुखार की एक अच्छी दवा बताता हूँ, धनिया, ये तुलसी पत्ता। तुलसी पत्ता 15-20 ले लो, पत्थर में पीसो और 3-4 काली मिर्च पीसो, पानी में उबाल दो इसको, फिर उस पानी को पी लो, ये भी बुखार ठीक करता है। बुखार की और एक अच्छी दवा है नीम की गिलोय। नीम के पेड़ पर एक बेल आती है, उसको हम गिलोय कहते हैं, अमृता कहते हैं, कोई लोग गुड़ुची कहते हैं, गुड़ुंच भी कहते हैं। वो गिलोय को थोड़ा सा काटो चाकू से, इतनी बड़ी डंडी उसकी, पत्थर पे पीस के एक गिलास पानी में उबाल दो और उबालना इतना है कि पानी आधा हो जाए, फिर उसको पी लो ठंडा करके। खराब से खराब बुखार में इसके परिणाम आते हैं। मैं आपको बहुत विनम्रता से लेकिन पक्का विश्वास करके कह रहा हूं, 10 साल का मेरा तजुर्बा है, जो बुखार किसी दवा से ना उतरे वो नीम की गिलोय से 100% उतरेगा। बड़े बड़े एंटीबायोटिक जब फेल हो जाते हैं बुखार में, ये नीम की गिलोय काम आती है। और आप इसको याद रखना हमेशा, कई बार ऐसा होता है कि बुखार जब बहुत गहरा हो जाए तो शरीर में
प्लेटलेट्स जो ब्लड में है वो बहुत तेजी से गिरने लगते हैं, WBC कम हो जाते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल, और मरने की हालत आ जाती है पेशेंट की। उस समय आप अगर ये नीम की गिलोय का काढ़ा दे दें तो मरता हुआ आदमी जिंदा हो जाए, इसलिए इसको अमृत औषधि कहा गया है, अमृता इसका नाम। और ये कहीं भी मिल जाती है आसानी से, आप अपने घर में लगा सकते हैं, नीम के पेड़ पर ये चढ़े तो बहुत अच्छा है, नहीं तो किसी भी तरह से इसको बड़ा कर सकते। और एक अच्छी दवा बताता हूं घुटने के दर्द के लिए, वो है चूना। ये जो पान में हम चूना खाते हैं पत्थर वाला, ये चूना गठिया की और वात की बहुत अच्छी दवा है। गेहूं के दाने के बराबर चूना खाइए, गर्म पानी में मिला के या ताजा दही में, नहीं तो दाल में, गेहूं के दाने के बराबर चूना आधा कप दही में मिला के रोज खा सकते हैं, दाल में खा सकते हैं, गर्म पानी में ले सकते हैं, ये घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द सब ठीक होता है। आप जानते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस नाम की खराब बीमारी है, वो चूने से बिल्कुल ठीक होती है, बहुत जल्दी ठीक होती है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है उनको कहिए कि रोज गेहूं के दाने के बराबर चूना खाते रहे। तरीका क्या है, आधा कप दही, ताजा दही, खट्टा नहीं होना चाहिए, और दाल, दाल जो हम रोज खाते हैं उसमें मिला के, नहीं तो गर्म पानी में मिला के पी लीजिए। ये चूना बहुत अच्छी दवा है हमारे घर के उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है। अगर ऐसे बच्चे आपके घर में हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि लंबाई नहीं बढ़ रही है, इनको नियमित चूना खिला दीजिए गेहूं के दाने के बराबर, साल भर खिला दीजिए, लंबाई बहुत बढ़ेगी। जो घर में ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुद्धि कम है, मतिमंद बच्चे जिनको हम कहते हैं मेंटली रिटार्डेड, उन सब बच्चों की सबसे अच्छी दवा ये चूना, 2-3 साल लगातार खिलाइए गेहूं के दाने के बराबर, दही में नहीं तो पानी में, नहीं तो दाल। हमारे घर में माताएं हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है, और जिन माताओं की उम्र 50 वर्ष हो जाती है उनका मासिक धर्म बंद होता है, मासिक चक्र बंद होता है, फिर वो माताओं को जितनी तकलीफें होती हैं मासिक चक्र बंद होने से, उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना ही है। आप उनको कहिए रोज चूना खाएं गेहूं के दाने के बराबर। हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें बैठी हैं, इस बात को ध्यान से सुने, घर में हमारी सभी बहनें और माताएं जो मासिक धर्म की समस्या से परेशान है, उनका मासिक धर्म समय से नहीं आता, आता है तो बहुत खून आता है या उसमें कई बार समय बहुत लगता है, इन सब मासिक धर्म की बीमारियों में दर्द बहुत होता है, आप चूना खाइए गेहूं के दाने के बराबर, दही में, नहीं तो दाल में, नहीं तो गर्म पानी में। ये जो चूना है ना, ये बहुत अद्भुत दवा है उन सभी मरीजों के लिए जिनको पीलिया होता रहता है अक्सर, जॉन्डिस। जिनको भी जॉन्डिस होता है उनको आप गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के दीजिए, आधा गिलास गन्ने का रस, गेहूं के दाने के बराबर चूना, बहुत जल्दी पीलिया ठीक होगा और बार बार पीलिया होना बंद होगा। ये जो चूना है ना, ये नपुंसकता की बहुत अच्छी दवा है। अगर कोई पुरुष ऐसा है जिसके वीर में शुक्राणुओं की संख्या एकदम नील है या बिल्कुल कम है, उनको आप चूना खिलाइए, 2-3 साल चूना दीजिए उनको गन्ने के रस में, वीर में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ेगी। ऐसी कई माताएं जिनके शरीर में अंडे नहीं बनते, ओव्यूलेशन का उनका गड़बड़ी है, उनको आप चूना खिलाइए, बहुत जल्दी उनकी बीमारी ठीक हो। ये जो चूना है ना, आपके रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई तकलीफ आ जाए, जैसे कई बार रीढ़ की हड्डी का जो लंबर रीजन है इसमें गैप आ जाता है, L1, L2, L3, L4 के बीच में गैप आ जाता है, इसको ठीक करने की ताकत चूने में ही है, चूना खाइए। कभी हड्डी क्रैक हो जाए तो हड्डी को जोड़ने की सबसे ज्यादा ताकत चूने में, चूना खाइए। एड़ी की दर्द है, पैर की एड़ी का दर्द है, चूना खाइए ठीक होगा। पंजों में दर्द है, चूना खाइए ठीक होगा। आपके दांत में अक्सर ठंडा गर्म पानी लगता है तो आप चूना खा लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाए। दांत में कीड़े बहुत लगते हैं, चूना खाइए नहीं लगेंगे। दांत हिलते हैं, कमजोर हैं, चूना खाइए मजबूत हो जाए।
ये एक चूना 70 बीमारियों में काम आता है, 70। और ये ईश्वर ने हमें सबसे ज्यादा दिया है, 70 बीमारियों में काम आता है। आप कभी भी इसको याद रखिए। मैं सबको यही कहता रहता हूं कि आप चूना खाइए, चूना लगाइए मत कभी किसी को। ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए। और ये चूना हम खाएं तो दो ही बातें याद रखनी है, पत्थर वाला खाना है, पत्थर वाला चूना एक आता है, एक सीप वाला भी आता है, तो सीप वाला नहीं खाना, पत्थर वाला। और यही चूना है पत्थर वाला जो पान की दुकान में मिलता है, तो वहां से आप कभी भी ले सकते हैं। अगर यहाँ कोई किसान भाई बैठे हैं और जो गाय भैंस पालते हैं, वो मेरी बात बड़े ध्यान से सुने कि गाय और भैंस को हर दिन पानी में मिलाकर चूना दीजिए आप। जैसे गाय एक बाल्टी पानी पीती है, उसमें गेहूं के 4-5 दाने के बराबर चूना घोल दीजिए, वो पानी पिलाइए, तो गाय का दूध बढ़ता चला जाता है। रोज पिलाइए उसको चूने का पानी। ऐसे ही भैंस है आपके पास, अगर भैंस, तो भैंस को भी चूने का पानी पिलाइए, उसका दूध बढ़ता चला जाए। और अगर आपने लगातार ये जारी रखा चूना गाय और भैंस को, तो दूध तो बढ़ेगा ही, दूध में घी बढ़ता जाता है, मक्खन बढ़ जाता है, घी ज्यादा मिलता है गाय के दूध से, भैंस के दूध से। और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ कि गाय और भैंस को आप लगातार अगर चूना देंगे तो वो बराबर समय से माँ बनती है। आपको मालूम है कई बार गाय और भैंस माँ नहीं बन पाती, हम लगातार प्रयास करते हैं वो गर्भ धारण नहीं कर पाती, और थोड़े दिन आप उनको चूना खिला दो वो तुरंत गर्भ धारण कर लेती। चूना बांझपन की सबसे अच्छी दवा है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ये सबसे जल्दी चूने से ही ठीक होता है। माताएं भी इस बात को सुने ध्यान से, कि ऐसी अगर कोई माताएं बहनें हमारे घर में हैं जो माँ नहीं बन पा रही है, और तरह तरह से डॉक्टर ने उनकी जांच की है और डॉक्टर कहता है जी मेरे समझ में नहीं आता, सब चीज तो नॉर्मल है, फिर भी माँ नहीं बन पा रही है, ऐसी किसी भी माँ को लगातार चूना खिला दो, बहुत जल्दी माँ बनेंगे। और माताएं बहने ये बात मेरी हमेशा याद रखें कि ऐसी कई माताएं होती हैं जो गर्भ धारण तो कर लेती हैं, लेकिन महीने दो महीने में गर्भपात हो जाता है उनका, कोई कारण हो सकता है, एक महीने में किसी का, दो किसी का, तीन महीने में गर्भपात हो जाता है। ऐसी सब माताओं को चूना खिलाइए, कभी भी गर्भपात नहीं होगा। और मेरा तो सब माताओं को ये कहना है कि जब भी कोई गर्भवती माँ हो अपने घर में, तो उसको हर दिन चूना खिलाइए ताकि गर्भपात ना हो और बच्चा स्वस्थ हो। तो ये चूना कैसे खिलाएंगे, गेहूं के दाने के बराबर चूना 1 कप अनार के रस में मिला के पिलाना। माँ को, गर्भवती माँ को चूना चाहिए अनार के रस के साथ। क्यों, अनार का ही रस क्यों? अनार के रस में सबसे ज्यादा आयरन होता है, लोहा, और चूने में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है, और गर्भवती माँ को आयरन और कैल्शियम इन्हीं दो तत्वों की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। तो अनार का रस 1 कप ले लें और चूना गेहूं के दाने के बराबर हर गर्भवती माँ को 9 महीने तक दे दीजिए आप सुबह खाली पेट। तो 4 फायदे होंगे इसके। पहला फायदा होगा कि बच्चे के जन्म के समय माँ और बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा फायदा क्या होगा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हेल्दी होगा, बहुत स्वस्थ होगा। और तीसरा फायदा पता है क्या होगा, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत ब्रिलियंट होगा, जिसकी माँ ने चूना खाया 9 महीने, उसकी IQ लेवल बहुत ऊंची होती है। और चौथा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो बच्चा जीवन में कभी भी किसी गंभीर बीमारी से परेशान नहीं होगा। बस हमें क्या करना है, हर गर्भवती माँ को 1 कप अनार का रस और गेहूं के दाने के बराबर चूना मिला के पिलाते हैं।
मैंने देखा जितनी माताओं ने अनार का रस और चूना लिया 9 महीने, किसी को ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, सबकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो और बच्चा सभी का स्वस्थ और तंदुरुस्त और वो बहुत होशियार और इंटेलिजेंट और जीवन में बीमार ना पड़े, ऐसी बढ़िया परिणाम हमें मिलते हैं अगर किसी माँ को हम चूना खिलाएं। तो आप ये चूने के बारे में याद रखिए, ये बहुत कीमती दवा है, हालांकि इसकी कॉस्ट कम है लेकिन वैल्यू बहुत है इसकी, सस्ता मिलता है, 50 पैसे में इतना चूना मिल जाएगा कि 2-4 महीने खा सके, क्योंकि भगवान ने प्रचंड मात्रा में हमको ये दिया है, इसे याद रखिए। बस एक ही व्यक्ति चूना ना खाए, एक सावधानी है इसमें, जिनको जिनको पथरी की बीमारी है, जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है वो चूना ना खाएं, जिनको किडनी स्टोन है वो चूना ना खाएं, जिनको मूत्रपिंड में पत्थर है वो चूना ना खाएं, बाकी सब खाएं। अब आप पूछेंगे अगर ये पथरी की बीमारी है तो इसकी भी दवा बता दो। अगर आपको गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में पथरी है तो इसकी सबसे अच्छी दवा है सेब का रस पिए। सेब जो बाजार में मिलता है इसका 1 कप रस रोज पीना खाली पेट सुबह, 6 से 8 महीने में पित्त की थैली की पथरी गल जाएगी। और अगर मूत्रपिंड में पथरी है, किडनी में पथरी है, तो इसके लिए गोमूत्र पीना रोज आधा कप, तो मूत्रपिंड की पथरी गल के निकल जाए। अब मैंने इतने सारे इलाज आपको बता दिए सिर्फ इस उम्मीद में कि आप ये दूसरों को बताएंगे, और आप ये सबको बताएंगे तो हर व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी रहने का आसानी से कोई ना कोई उपाय अपने जीवन में अपनाएगा और हर व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी हो जाए, यही हमारा उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति का एक सूत्र वाक्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, हरेक के चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए हो, यही भारत स्वाभिमान का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम गांव-गांव जा रहे हैं, हर व्यक्ति को ये आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बता रहे हैं। आपको अगर और ज्यादा ये चाहिए ज्ञान तो आप इसको ले सकते हैं, हमारा आस्था चैनल है, इस पर रोज शाम को 9 बजे से 10 बजे तक एक कार्यक्रम आता है, उसका नाम है आयुर्वेद एवं जीवन दर्शन। ये कार्यक्रम आप रोज देखिए रात को 9 बजे से 10 बजे तक, और यही कार्यक्रम सुबह 7:30 से 8:30 दोबारा आता है। इस कार्यक्रम में हम बताते हैं कि क्या क्या औषधियां हैं जो आपके घर में है, घर के आसपास में है, और कितनी बीमारियां उनसे आप ठीक कर सकते हैं। अगर ये कार्यक्रम आप रोज देखेंगे तो ये पक्की बात है कि आपको कोई एलोपैथी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने इस विषय पर एक पुस्तक भी बनाई है, उसका नाम है जड़ी बूटी रहस्य। ये पुस्तक हमारे पतंजलि चिकित्सालय में मिल जाती है, रायगढ़ में हमारा पतंजलि चिकित्सालय है, आप कभी भी वहां चले जाइए और ये पुस्तक ले लीजिए, जड़ी बूटी रहस्य। इसमें हजारों दवाओं का ज्ञान दिया हुआ है, मैंने तो थोड़ी सी बताई है, लेकिन इस पुस्तक के माध्यम से आप हजारों दवाओं की जानकारी ले सकते हैं। और एक छोटी सी बात और हम कहना चाहते हैं आपसे कि आप जो कुछ इस पुस्तक से प्राप्त करें वो दूसरों को बताते हैं, क्योंकि ज्ञान की यही भारत में परंपरा है, हमने कहीं से लिया और दूसरों को दिया, फिर उन्होंने दूसरों को दिया, फिर उन्होंने दूसरों को दिया। ज्ञान को जितना फैलाएंगे उतना बढ़ेगा और देश का उससे ज्यादा लाभ होगा। एक छोटी सी बात और कहनी है आपसे कि भारत स्वाभिमान का ये तो पहला उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना, इसके लिए हम ये आयुर्वेद का, योग प्राणायाम का कार्य कर रहे हैं। दूसरा उद्देश्य है भारत की समस्याओं को मिटाना, हमारी गरीबी की समस्या है जो बहुत भयंकर है। आजादी के 64 साल के बाद भारत में 84 करोड़ लोग गरीब है, जो एक दिन में 20 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते, और ये हमारी आबादी का लगभग 77% है। तो हम ये गरीबी दूर करना चाहते हैं, बेरोजगारी भी बहुत है भारत में, 70 करोड़ नौजवान हैं, उनमें से 67 करोड़ 50 लाख बेरोजगार हैं।
सिर्फ 2.5 करोड़ नौजवानों को काम मिला हुआ है पूरे देश में। तो बेकारी भी बहुत है, महंगाई भी बहुत है। तो आप बोलेंगे ये गरीबी बेकारी महंगाई कैसे दूर होगी? इसके लिए हमने एक लक्ष्य तय किया है कि भारत में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो लूटखोरी मची हुई है, इसको रोक पाए अगर हम, तो गरीबी बेकारी ठीक होगी, दूर होगी। भ्रष्टाचार हमारे यहाँ भयंकर है। आप रोज अखबार देखें और हर दिन टेलीविजन समाचार सुने तो हर 2-3 दिन में कोई ना कोई घोटाला, कोई ना कोई भ्रष्टाचार होता ही रहता है। अभी थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया एक भ्रष्ट नेता जिसका नाम है ए राजा। उसने भारत सरकार को, देश को 1,76,000 करोड़ का चूना लगा दिया और 3 साल और 6 महीने से वो ये घोटाला कर रहा था। और राजा कहता है कि मैंने ये सब कुछ प्रधानमंत्री को बता के किया है। वो कहता है कि सब बात प्रधानमंत्री को बताई थी मैंने। और प्रधानमंत्री की इतनी हिम्मत नहीं कि 3 साल और 6 महीने जो घोटाला करने वाला मंत्री है उसको निकाल सके मंत्रिमंडल से। इतना बड़ा घोटाला आजादी के इतिहास में पहली बार हुआ। 1,76,000 करोड़ इतनी बड़ी रकम है कि अगर इससे सोना खरीद लिया जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य के हरेक गांव की सड़क पर 10 मिलीमीटर मोटाई की सोने की परत बिछा सकता। अगर 1,76,000 करोड़ का सोना खरीद लिया जाए तो छत्तीसगढ़ के जितने परिवार हैं हरेक परिवार को 10 किलोग्राम सोना दान में दिया जा सके। 1,76,000 करोड़ की रकम तो आपको लिखने में भी तकलीफ आएगी क्योंकि कैलकुलेटर फेल हो जाता है इसमें। कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं, इसमें 12 से ज्यादा अंक हैं। इतना बड़ा घोटाला। इसके पहले थोड़े दिन पर एक घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, 77,000 करोड़ का। कॉमनवेल्थ खेल घोटाला इतना जबरदस्त है कभी तो हंसी आती है मुझे। ये कॉमनवेल्थ खेल क्या है? ये वो खेल है जिनको दुनिया के 71 देश खेलते हैं और ये सारे 71 देशों को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। तो ये 71 देश अपनी गुलामी को याद करने के लिए हर 4 साल में ये खेल खेलते हैं। दुनिया में ऐसे मूर्ख लोग देखे हैं जो गुलामी को याद करते हैं अपने, और वो भी बहुत बड़े समारोह के साथ, भव्य समारोह करके गुलामी को याद करते हैं कि हाँ अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, उनकी महारानी। वो महारानी को ही बुलाते हैं ये खेलों के उद्घाटन। बिना महारानी के आए खेल का उद्घाटन नहीं होता। इस बार तो भला हुआ महारानी बीमार पड़ गई तो उसका बेटा आया, लेकिन बुलाया उसी के परिवार को जिन्होंने जिंदगी भर हमारे ऊपर लाते मारी हैं, गालियां दी हैं, हमको तड़पाया, परेशान किया। उन्हीं के घर खानदान वालों को बुला के कहते हैं झंडा फहराओ, खेल शुरू कराओ। ये गुलामी की गजब इंतहा। और इन खेलों में महारानी आती है ना, उसके पहले उसका डंडा आता है, महारानी का डंडा, उसको कहते हैं क्वींस बैटन्स। अब अंग्रेजी में कह देते हैं क्वींस बैटन्स, हिंदी में उसका मतलब है महारानी का डंडा। वो आता है और 71 देशों में घुमाया जाता है। तो ये इस बार भी हुआ, महारानी का डंडा आया और उसी में सबसे बड़ा घोटाला हुआ, क्योंकि महारानी का डंडा जितने रुपए में लंदन से भारत आया उतने रुपए को मैंने जोड़ा तो उसमें 100 सोने के डंडे बना सकते थे। ऐसा घोटाला। ये कॉमनवेल्थ घोटाला तो विचित्र है। खेल आयोजन करने वाली समिति ने माइक किराए पे लिया तो माइक का इतना पैसा दिया किराए का जितने में सैकड़ों माइक खरीदे जा सके। कुर्सी किराए पे ली तो इतना पैसा दिया जितने में हजारों कुर्सी खरीदी जा सके। एसी किराए पे लिया तो इतना पैसा दिया कि सैकड़ों एसी लगाए जा सके। और जिन नेताओं ने ये किया वो भी बेईमान, सुरेश कलमांडी एंड कंपनी, वो कहते हैं कि जी हमने कुछ गलत नहीं किया।
सीबीसी का कहना है कि घोटाला हुआ, सीबीआई का कहना है घोटाला हुआ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का कहना है घोटाला हुआ, और जिन्होंने किया वो कहते हैं हमने कुछ घोटाला नहीं किया। आंकड़े बताते हैं कि इस पूरे कॉमनवेल्थ खेल में 78,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, और संस्थाओं का कहना है जो जांच कर रही है घोटाले की कि वास्तव में खर्चा 8,000 करोड़ का हुआ, 70,000 करोड़ रुपए तो नेता और अधिकारियों ने बंदर बांट करके खा लिया। ऐसे ये हमारे यहां घोटाले होते हैं। थोड़े दिन पहले और एक घोटाला हो गया, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाला। भारत के कारगिल के शहीदों के परिवारजनों के लिए घर बनाए और महाभ्रष्ट और बेईमान नेता वो घरों में कब्जा करके बैठ गए। शर्म नहीं आती इन नेताओं को, गेंडे की मोटी खाल से भी ज्यादा ये जो है ना बेशरम हो गए हैं। शहीदों के लिए, कारगिल के शहीदों के परिवारजनों के लिए घर बन रहे हैं, उस पर कब्जा करके बैठे। बहुत मुश्किल है। और ये जो घोटाले रोज रोज होते हैं, अभी 2 दिन से पता चल रहा है और एक घोटाला हो गया हमारे यहाँ, फर्जी का लोन बांटा जाता, फर्जी लोन, कंपनियां फर्जी, लोन फर्जी, और उसको शेयर बाजार में लगा देते हैं और पैसे ले दे के, घूस ले दे के ये सब चलता है। ये सारे घोटाले करते क्या हैं? आपके खून पसीने की कमाई का पैसा, मेरे खून पसीने की कमाई का पैसा, इसको लूटा जाता है। और ये घोटालों को देखकर अब ऐसा लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं लूट तंत्र चल रहा है, जिसको देखो वही लूट रहा है इस देश में। और ये घोटाले पिछले 64 साल से चल रहे हैं। आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, उसके थोड़े दिन बाद ही एक बड़ा घोटाला हो गया, जीप स्कैंडल। जीप खरीदी गई लेकिन कागज पर, वास्तव में नहीं, पैसे दे दिए जीप नहीं आई, और उसका नुकसान उठाया भारत की सेना। पिस्तौल खरीदी गई सेना के लिए, बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, पिस्तौल स्कैंडल, चेक पिस्टल स्कैंडल, उसमें पिस्तौल खरीदी कागज पे, वास्तव में नहीं आई, और उसका नुकसान हुआ भारत की सेना को, चीन से पराजित होना पड़ा 1962, क्योंकि बंदूक नहीं थी, पिस्तौल नहीं, वो कागज पे खरीदी गई। और ऐसे घोटाले होते ही रहे, कभी नागरवाला स्कैंडल, कभी मुंदड़ा स्कैंडल, होते ही रहे। हमने इन सारे घोटालों के आंकड़े इकट्ठे किए और दस्तावेज, तो पता चला कि अब तक 64 साल में 340 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हो चुके हैं, 64 साल। और ये सारी रकम भ्रष्ट नेता और अधिकारियों ने लूटकर विदेशी बैंकों में जमा कर रखी है। इस रकम का 280 लाख करोड़ रुपए तो स्विस बैंकों में जमा है और 60 लाख करोड़ रुपए पनामा, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान आदि देशों की बैंकों में जमा है। अब हमने एक संकल्प लिया है कि ये जो 340 लाख करोड़ के घोटाले होकर धन भारत से बाहर ले गए हैं सारे भ्रष्ट नेता, इसी पैसे को वापस भारत में लाना है और इसको भारत की राष्ट्रीय संपत्ति बनाना है और इसी पैसे से गरीबी और बेरोजगारी को मिटाना है और भारत की समस्याओं का समाधान करना है। आप पूछेंगे ये धन कैसे वापस आ सकता है? इसको वापस लाने के 3 रास्ते। पहला रास्ता है हम भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा करें, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन कहा जाता है, और सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे पर फैसला दे कि जितना पैसा विदेशी बैंकों में जमा है वो भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, तो ये सारा धन वापस आ जाएगा उन बैंकों से। दूसरा रास्ता है भारत के संसद में एक प्रस्ताव पारित कराया जाए और उसमें ये कहा जाए कि जितना धन विदेशी बैंकों में भारत से लूटकर भेजा गया वो सारा भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, और संसद ये प्रस्ताव पास कर दे तो भी ये धन वापस आ जाए। और तीसरा और आखिरी रास्ता है कि हम भारत देश की तरफ से संयुक्त राष्ट्र महासंघ के साथ एक संधि करें, एक समझौता करें, और वो समझौता इस 340 लाख करोड़ रुपए के बारे में हो, तो संयुक्त राष्ट्र महासंघ खुद इस पैसे को हमें वापस दिलवा सकता है, क्योंकि उसका डंडा दुनिया के सब देशों पे चलता है।
दुनिया के 70 देशों की बैंकों में ये पैसा पड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र इस पूरे पैसे को दिलवा सकता है, और इसी संयुक्त राष्ट्र ने अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका को ऐसा पैसा दिलवाया। अमेरिका में भी घोटाले होते हैं और उनका पैसा भी विदेशी बैंकों में, स्विस बैंकों में जमा था। तो बराक ओबामा ने अपने देश की तरफ से संयुक्त राष्ट्र से संधि की और 780 अरब डॉलर उन्होंने वापस ले लिया स्विस बैंकों से। और बराक ओबामा अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संकल्प लिया है और उसी के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करवाया है, और हमारा मुकदमा भारत के सबसे मशहूर वकील राम जेठमलानी ने किया है, और खुशी की बात है कि हमारा मुकदमा स्वीकार हो गया है और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया। इस मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि जल्दी से सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये बताए कि दुनिया के किस देश की बैंकों में किसका कितना पैसा है। अब सरकार ने सारे अधिकारी भेजे हैं 70 देशों में, 34 देशों में धन का पता चल गया है, 36 देशों में पता चलने की कार्यवाही चल रही है, एक साल के अंदर ये पता हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में सारी जानकारी आ जाएगी। तब हम सुप्रीम कोर्ट में ये अपील करेंगे कि सारे धन को भारत की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए और ये पूरा पैसा वापस मंगा लिया जाए। हमें उम्मीद है कि हम ये कर पाएंगे। आप सबका सहयोग रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे और सद्गुरुओं का आशीर्वाद रहे तो ये बन जाए तो अच्छी बात है। वो विरोध ना करें तो प्रस्ताव पास हो जाए, प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बन जाएगा, कानून बना तो पैसे आ जाएंगे। अगर संसद में विरोध हुआ तो भी और प्रस्ताव पास हुआ तो भी हमारा ही फायदा है, हमारे दोनों हाथ पे लड्डू हैं। प्रस्ताव पास हुआ तो कानून बना, पैसे आ गए, नहीं पास हुआ तो देश देखेगा कि बेईमान और हरामी कौन कौन है जो विरोध कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे? अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो सन 2014 में लोकसभा का चुनाव आएगा, तब सारे देश के चुनाव क्षेत्रों में घूम घूम कर हम उन नेताओं को हराएंगे जिन्होंने ये प्रस्ताव पास नहीं होने दिया, और उनकी जगह ईमानदार सांसदों को चुनकर लाएंगे संसद। और हमारी तैयारी है कि 2014 में 400 ईमानदार सांसदों को हम इस देश में से चुनकर लाएंगे। आप बोलेंगे 400? हाँ 400। कैसे? भारत में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी जिन्होंने ये अभियान शुरू किया उनके साथ भारत के 70 बड़े बड़े संतों ने सहयोग देने का संकल्प कर लिया है। एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय मुरारी बापू, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय सुधांशु महाराज, एक बहुत बड़े संत तुल्य व्यक्ति हैं डॉक्टर प्रणव पंड्या, गायत्री परिवार। ऐसे 70 बड़े बड़े संगठन और संतों सन्यासियों ने तय कर लिया है कि पानी अब सिर से गुजर गया, भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए ये सारे संत 2014 में एक एक संसदीय क्षेत्र में जाएंगे और 400 तो क्या 500 सांसदों को ये जिता लाएंगे। क्योंकि ये जो संत है ना इनके सारे भक्तों की संख्या एक दिन मैंने जोड़ी तो इनके भक्त इतने हैं पूरे देश में कि वो इकट्ठे होकर वोट डाल दें तो 514 सांसद जीत जाएंगे। असंभव नहीं है ये काम, आसानी से होगा, संतों के आशीर्वाद से ये काम होगा। 514 सांसद जीत गए तो पार्लियामेंट में एक मिनट में बिल पास होगा, 340 लाख करोड़ आ जाएंगे। और ये धन इतना है, 340 लाख करोड़ का सोना खरीद लिया जाए तो भारत के 25 करोड़ परिवारों में हरेक को 100 किलोग्राम सोना दिया जा सकता है, एक एक क्विंटल सोना हर परिवार को दे सकता है, इतना बड़ा धन है। और इसी धन से भारत की गरीबी बेकारी मिटा सकते हैं। इसकी योजना हमने बनाई है, हर भारत के गांवों में 100-100 उद्योग लगाएंगे, जैसे जिन गांवों में कपास पैदा होती है वहां खादी उद्योग लगाएंगे, जिन गांवों में गाय है वहां मूत्र इकट्ठा करके गोमूत्र की दवाओं का उद्योग लगाएंगे, जिन गांवों में गाय बैल भैंस गोबर है
उनका उसमें गैस निकलती है मीथेन, उसके प्लांट बनाएंगे, गैस को सिलेंडर में भर के गाड़ी चलेगी, घर का खाना बनेगा, बिजली बनेगी। जिन जिन गांव में आलू पैदा होता है वहां आलू के चिप्स बनवाएंगे, जहां टमाटर है वहां टमाटर सॉस बनेगा, जहां आम पैदा होता है आंवला पैदा होता है, ये सभी गांव में हर एक चीज को प्रोसेसिंग करने की इंडस्ट्री, और एक एक गांव में 100 उद्योग, और सभी उद्योगों को लगाने में 10 लाख करोड़ का खर्च होगा, और इसमें 67 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और भारत की बेरोजगारी खत्म होगी, बेकारी खत्म होगी तो गरीबी खत्म होगी। बाद में फिर गांव-गांव सड़क बनाएंगे, हर गांव में स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे आयुर्वेद के, हर गांव के किसान के खेत को पानी मिले इसके लिए तालाबों की व्यवस्था करेंगे, कुल खर्चा 30 लाख करोड़ आएगा, और शहरों का विकास करेंगे तो और 10 लाख करोड़ खर्च होगा, कुल 40 लाख करोड़ में पूरे देश का विकास हो जाए, गरीबी खत्म होगी, बेकारी खत्म होगी, सब जगह समृद्धि आ जाएगी, सुख आ जाएगा। फिर 300 लाख करोड़ बचेगा, उसका क्या करें? उसको बैंक में जमा करेंगे, उसका हर साल 30 लाख करोड़ का ब्याज आएगा, और अनंत काल तक भारत देश के बजट को हम बना सकेंगे बिना एक पैसा टैक्स लिए हुए, सभी भारतवासियों से टैक्स माफ करके हम देश को चला सकेंगे, और टैक्स माफ कर देंगे, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज आदि आदि, तो सब वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, और वस्तुएं सस्ती होंगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी। हमने हिसाब निकाला कि सारे टैक्स अगर माफ कर दिए जाएं तो 1 लीटर पेट्रोल जो 60 रुपए का है वो मिलेगा 16 रुपए का, 1 लीटर डीजल जो 40 रुपए का है वो मिलेगा 7.5 रुपए का, 1 लीटर केरोसिन जो 20 रुपए का है वो मिलेगा 3 रुपए का, 1 किलो नमक जो 8 रुपए का है वो मिलेगा 50 पैसे का, 1 सीमेंट का बोरा जो अभी 250 का आता है वो मिलेगा 72 रुपए का, 1 किलो लोहा जो 50 का है 50 रुपए का वो मिलेगा 12 रुपए का। आप घर बनाए रायगढ़ में 10 लाख का, टैक्स खत्म होने के बाद वो घर बन जाएगा 3 लाख का। आपका बेटा या बेटी आईआईटी में इंजीनियरिंग पढ़े तो 5 लाख खर्च होता है 5 साल में, टैक्स खत्म होने के बाद 70,000 में ही पढ़ाई पूरी होगी। एमबीबीएस एमडी अभी 40 लाख में होता है, टैक्स खत्म होने के बाद वो 4 लाख में ही हो जाएगा। हर चीज सस्ती होगी, पढ़ाई सस्ती होगी, आना जाना सस्ता होगा, घर बनाना सस्ता होगा, घर में रहना सस्ता होगा, तो लोगों का घर खर्च बचेगा, तो आमदनी बढ़ेगी, तो देश की आमदनी बढ़ेगी, और हम भारत को धीरे धीरे दुनिया के सबसे अच्छे देशों में ले आएंगे। और एक बड़ा काम होगा, जब सारे टैक्स हम खत्म करेंगे ना तो बेईमानी खत्म हो जाएगी, सब ईमानदार हो जाएंगे, इनकम टैक्स नहीं होगा तो ब्लैक मनी नहीं होगा, ब्लैक मनी नहीं होगा तो कोई घोटाला भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज हमारे देश में सारी बेईमानी शुरू होती है काले धन से, काला धन ही नहीं होगा तो बेईमानी सवाल ही नहीं उठता, और फिर कोई करेगा अगर बेईमानी तो उसके लिए कठोर कानून बनवाएंगे कि जिसने बेईमानी की, पैसे खाए, रिश्वत लिया, 3 महीने में उसको फांसी की सजा, और 2-4-10 नेताओं को जिस दिन फांसी पे लटका देंगे उसी दिन सारा देश सुधर जाएगा। और एक बड़ा काम करना है कि भारत की बहुत सारी जमीन चीन के कब्जे में है, करीब 72,000 वर्ग मील, ये वापस लेनी है। भारत का 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, ये भी वापस लेना। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमारे पड़ोसी 70 देश हैं, इनकी मदद लेंगे। बांग्लादेश है, नेपाल है, बर्मा है, भूटान है, म्यांमार है, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका, ऐसे 70 देश हैं भारत के पड़ोसी, इनकी हम मदद करेंगे ताकि ये हमारी मदद करें। और इन देशों की मदद कैसे करेंगे? अपने पास पैसे बहुत हैं, हर साल 30 लाख करोड़ की आमदनी है, खर्चा अपना 11 लाख करोड़ का है, हर साल अपने देश में बचने वाला है करीब करीब 19 लाख करोड़, उसका क्या करें? तो उसको पड़ोसी देशों में बांटेंगे, कर्ज के रूप में देंगे, उनकी मदद करेंगे सहायता के रूप में, पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेंगे, बाकी सबकी करेंगे, चाइना की भी नहीं करेंगे। और इन देशों को अगर हम थोड़ा धन देंगे उनकी गरीबी दूर होगी तो वो मित्र बनेंगे, फिर इनकी मदद से संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव पास कराना है कि भारत की 72,000 वर्ग मील जमीन भारत को वापस चाहिए, चाइना उसे वापस करे, या तो चाइना वापस करेगा नहीं तो ये 70 देश चाइना के खिलाफ प्रतिबंध लगाएंगे।
और वो प्रतिबंध होगा कि चाइना का माल आना बंद कर देंगे दुनिया के 70 देशों, फिर चाइना सरेंडर करेगा और जमीन वापस देगा। और एक दूसरा काम करना है, एक तिहाई पाकिस्तान के कब्जे में हमारा कश्मीर है ये वापस लेना, और पाकिस्तान तो 2 मिनट में सरेंडर कर देगा, अगर चाइना ने दे दी जमीन तो पाकिस्तान तो चुपचाप दे देगा, उसको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। हाँ एक काम करेंगे कि पाकिस्तान में जहां आतंकवादियों की ट्रेनिंग चल रही है उन सारे अड्डों को बम गिरा के ध्वस्त करना, और इस काम के लिए इन 70 देशों की सेना भेजेंगे, अकेला भारत नहीं करेगा ये काम, 70 देश मिलकर करेंगे ताकि पाकिस्तान ची चू ना करे जाए। भारत करेगा तो वो चिल्लाएगा, 70 देश करेंगे तो चुप बैठेगा। इस समय आपको मालूम है अफगानिस्तान में 70 देशों की सेना लड़ रही है, वही पाकिस्तान में जाके लड़ेगी, और पाकिस्तान से जमीन लेके आतंकवादी अड्डों को खत्म करके चीन से अपनी जमीन लेके एक और काम करना है, और वो बड़ा काम है, भारत का जो धन अंग्रेजों ने लूट लिया 250 साल में वो सारा वापस लाना है ब्याज के साथ। अंग्रेजों ने हमारा कोहिनूर हीरा लूटा है, अंग्रेजों ने हमारा सोने का सिंहासन लूटा है, अंग्रेजों ने हमारे देश में से सोना लूटा है। एक अंग्रेज आया था रॉबर्ट क्लाइव, पानी के 900 जहाज भर के सोना लूट ले गया यहाँ से। यही सोना अगर वापस हम ले आए तो ये 450 लाख करोड़ का है, और इस सोने को वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालत में हम एक मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। उसके कई सारे प्रमाण हमने इकट्ठे किए हैं, और इस मुकदमे को हम जीत कर 450 लाख करोड़ का सोना वापस लाएंगे, अपना कोहिनूर हीरा भी लाएंगे, सोने का सिंहासन लाएंगे। और जिस दिन ये 450 लाख करोड़ का सोना भारत में आएगा उसी दिन भारत सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर हो जाए। दो बड़ी क्रांति भारत में होगी, पहली क्रांति होगी कि भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर से 50 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। आज एक डॉलर में 45 रुपए है, फिर एक रुपए में 5 डॉलर आएंगे, और जब भारत का रुपया मजबूत होगा तो जो हम निर्यात कर रहे हैं 8 लाख करोड़ का, ये निर्यात होगा 400 लाख करोड़ का। और दूसरी बड़ी क्रांति होगी कि भारतवासी जो अमेरिका भाग गए थे ये सब वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये अमेरिका भागे थे $1.50 के लालच में, फिर $1 में $5 हुआ तो ये वापस आएंगे सब, और ये वापस आएंगे तो इनकी बुद्धि इनका दिमाग वापस आएगा, उससे नई नई मशीनें बनेगी, नई टेक्नोलॉजी बनेगी। अमेरिका में नासा नाम की संस्था है, वहां 36% वैज्ञानिक भारत के हैं, ये सारे वैज्ञानिक वापस आ जाएं तो हम नासा जैसी कई संस्था बना सकते हैं। अमेरिका में MIT है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां 30% वैज्ञानिक भारत के, अगर ये आ जाएं वापस तो हम MIT अपना बनाएंगे, तो नई संस्थाएं बनाएंगे, नई टेक्नोलॉजी बनेगी, नई मशीनें बनेंगी, पहले ब्रेन ड्रेन हुआ अब ब्रेन गेन होगा, पूंजी हमारे पास है, उत्पादन हम करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे और सारी दुनिया में छा जाएंगे। भविष्य में हमारा उद्देश्य है कि भारत विश्वगुरु बने, जगतगुरु बने, सोने का शेर बने, समृद्धशाली बने, वैभवशाली बने, भारत की गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी सब मिट जाए, बुराइयां हमारी खत्म हो जाए, ऐसा स्वस्थ सुंदर समृद्ध भारत बनाना है। इसी के लिए ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन है। आपसे इसमें थोड़ी मदद चाहिए, आप बोलेंगे क्या मदद चाहिए, भारत स्वाभिमान के आंदोलन में आप जुड़ जाइए, हर एक व्यक्ति इसमें सदस्य बने। हम भारत में 15 से 20 करोड़ नागरिकों को इसका सदस्य बना रहे हैं भारत स्वाभिमान का, आप भी इसमें जुड़ जाएं। आप जुड़ेंगे तो क्या करना है, मात्र 11 रुपए दान देकर आप भारत स्वाभिमान के सदस्य बन सकते हैं, और इसके लिए हमने सभी पदाधिकारी और हमारे योग शिक्षकों को रसीदें दी हुई हैं। आप किसी भी पदाधिकारी से रसीदें ले लीजिए और उनसे मांगिए कि हमें 11 रुपए का सदस्य बनाओ, वो बनाएंगे, आप इसमें जुड़ जाएंगे। ऐसे 15 से 20 करोड़ नागरिकों को जोड़ने का लक्ष्य है, और रायगढ़ जिले में 10 से 15 लाख भारतवासियों को हमें सदस्य बनाना है, और इसी कार्य के लिए परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी रायगढ़ आने वाले हैं। जनवरी के महीने में 2011 में उनका बड़ा भव्य कार्यक्रम यहाँ होना है, जनवरी के 4th सप्ताह में। आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप उसमें जरूर शामिल हों, हजारों की संख्या में आए और परम पूजनीय स्वामी जी के सामने आप सदस्य बनने की घोषणा करें, तो आपको भी आनंद होगा, उन्हें भी आनंद होगा। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरा आंदोलन एक सन्यासी ने शुरू किया,
और सन्यासी जब भी को भेजा परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी। और फिर उन्होंने एक संकल्प लिया है कि अब भारत को विश्व गुरु बनाना है, जगत गुरु बनाना है, सोने का शेर बनाना है, समृद्धशाली वैभवशाली बनाना है। अब इसी संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वर ने आपको भेजा है, मुझे भेजा है। कई बार मुझे लगता है कि आप और मैं शायद 1857 के बिछड़े हुए क्रांतिकारियों की ही आत्माएं हैं जो फिर से ये जन्म लेकर आई है और इस जीवन को सफल बनाने के लिए इस आंदोलन में आ रहे हैं। आप सब इस आंदोलन में जुड़े और हम सब एक सन्यासी के सिपाही बने, हम एक सन्यासी के सहयोगी बने और ईश्वर की बनाई गई इस योजना में अपना पूरा सक्रिय योगदान करें, यही भावना लेकर मैं आपके बीच आया। आप सभी सदस्य बनेंगे और दूसरों को सदस्य बनाएंगे, ऐसी मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। और परम पूजनीय स्वामी जी का कार्यक्रम जब यहाँ जनवरी में होगा, आप सब पूरी ताकत के साथ उसमें आएंगे, यह कहकर आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद बात देता हूँ। चलते चलते हम बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, धन्यवाद।